दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा। I love the way you started the show. I love what you said. अगर पंजाब में ये 16 रुपए हो सकती है तो फिर ये सिंध में क्यों नहीं हो सकती। मेरी आवाज मरियम नवाज, बड़ा जबरदस्त कैप्शन है। तकरीबन 1000 के आसपास हमें कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं और तकरीबन 250 से 300 जो है वो FIRs हो चुकी हैं। हिसाब से जीऊंगी जिंदगी में अपनी के कितनी गलती पता चल गया मेरा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है और मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं डिटेल में तारुफ करवाऊँगी और आपको बताऊँगी कि आज क्या सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है उसको फॉलो करना होता है, अच्छी बात है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। तो वो बात कुछ इस तरह से है कि दरख्त जितना ऊँचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने की बजाय बड़ा बनने की कोशिश करें, तनावर बनने की कोशिश करें, ताकि आपके वो जो दरख्त होता है ना उसकी शाखों को भी फ़ायदा पहुंचता है और जितना वो तनावर जितना मज़बूत होता है उतना वो स्ट्रांग होता है और जितना वो अकेला खड़ा होगा ना, अगर ये एग्जाम्पल अक्सर लोग देते हैं कि अपने साथ अपनों को मिलाओ, एक तनावर दरख्त बनो, अगर अकेले खड़े रहोगे तो आंधी तूफान तुम्हें जल्दी गिरा देंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यूनिटी जो है ना वही स्ट्रेंथ होती है। तो जितना तनावर और बड़ा दरख्त होगा उतना साया देगा और उतना जो लोग हैं ना वो उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ हमें आगे बढ़ना अब शामिल करनी है आज की बड़ी खबर। महंगाई और महंगाई और महंगाई, एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया का महंगा तरीन मुल्क करार दे दिया। महंगाई की औसत शरह 27.5% रहने का इम्कान, रियासत कब रिलीफ फराहम करेगी, अवाम में चहमगोइयां जारी। मईशत की बहाली में हुकूमती इकदाम, पाकिस्तान को IMF से रवा माह 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलने का इम्कान, 29 अप्रैल को होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद आलमी मालियाती इदारे के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। क्या नए प्रोग्राम के साथ नए टैक्सेस की भरमार होने वाली है, इस पर इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात करेंगे। पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम, मुल्क में पहला विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम, खवातीन हिरासगी समेत तमाम दरपेश मसाइल की कंप्लेन कर सकेंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा। और सरजमीन पाकिस्तान टैलेंट की दुनिया से मालामाल, रैप म्यूजिक की दुनिया में सूफीज्म का तड़का, पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों में अपनी आवाज का जादू जगाने वाली रैप म्यूजिक गुलुकारा ऐश रुहान आज होंगी हमारी मेहमान। जी जनाब, ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे और आज हमारे इस वीक का लास्ट शो है और एक बड़ा सरप्राइज़ है आपको इस वीकेंड से पहले जो कि हम देने जा रहे हैं। पाकिस्तान का मकबूल तरीन चैनल बोल अपने चाहने वालों को महसूस करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता और इस बार बोल एंटरटेनमेंट अवाम के पसंदीदा मेज़बान अदाकार साहिर लोधी के साथ एक मुनफरद प्रोग्राम नशर करने जा रहा है। बोल एंटरटेनमेंट पाकिस्तान के नाम पर अदाकार साहिर लोधी की मेज़बानी में द मॉर्निंग शो विद साहिर लोधी, जिसका आगाज़ करने जा रहा है 29 अप्रैल से सुबह 9 बजे नशर होगा। और पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के लिए साहिर लोधी को नया नाम नहीं है और ख़ास तौर पर जब प्रोग्राम की मेज़बानी की बात आती है तो जनाब साहिर लोधी का कोई सानी नहीं है, जनाब दूर दूर तक नहीं है। तो अपने टैलेंट से वो एक अरसे से अवाम को ज़ाहिर है महसूस भी कर रहे हैं, कामयाबी से आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो नया एक प्रोग्राम आ रहा है, शो आ रहा है, उसमें क्या है पहले आपको टीज़र दिखाते हैं, फिर साहिर हमारे साथ हैं वो बताएंगे कि इसमें क्या नया है। पहले टीज़र। जी जबरदस्त, वेलकम टू माय शो साहिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अच्छा पता है मैं ये समझती हूँ सुबह सुबह ना जब आप उठते हैं ना और उठ के आप कॉफ़ी या चाय के कप के साथ जब अपना टीवी ऑन करते हैं तो जब सामने को खूबसूरत हैंडसम शख्सियत आए ना तो आपका दिल चाहता है कि आप उसको देखते भी रहें और दिन का आगाज़ बड़ा पॉजिटिव अंदाज में होता है ना। एक नॉर्मल सी बात है कि किसी अच्छी खूबसूरत शख्सियत से मुलाकात जैसे ही आपकी होती है एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छी सी फीलिंग आपको आती है जो मुझे भी आ रही है।
मुझे ये बताएगा कि माशाल्लाह से एक अरसे से आप मॉर्निंग शो कर रहे हैं, बिल्कुल 18 इयर्स तो मॉर्निंग शो 18 इयर्स है ना, 18 इयर्स काम कर रहे हैं उसमें, मॉर्निंग शो भी किया आपने, होस्टिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, शो भी किया, बिल्कुल रेडियो भी किया है, बहुत कुछ किया है। तो मुझे ये बताएगा कि अब चूंकि आपको पता है कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, हर कोई ये कोशिश कर रहा है कोई ऐसी क्रिएटिविटी लेके आए कि जो किसी ने पहले ना देखी हो। सोशल मीडिया का दौर भी आपको पता है साथ अपने पीक पर है इस वक्त, तो ये जो शो आ रहा है इसमें क्या ऐसा है जो हमने पहले नहीं देखा होगा? देखिए सर, पहली बात तो ये कि हम किसी से कम्पीट कर ही नहीं रहे, मैं कभी दुनिया में किसी से भी कम्पीट नहीं करता, हमारा हम खुद अपना कॉम्पिटिशन है, एंड दैट्स व्हाट इट इज। आई थिंक बोल ने रमज़ान में ये प्रूव किया है, जब हमने ये शोज़ किए हैं तो रमज़ान में हमने ये प्रूव किया है कि हम अपना कॉम्पिटिशन खुद हैं, हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं। तो मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता कि मुझे किसी भी रेस में शामिल होना है जहाँ आप नंबर वन नंबर टू कोट किए जाएँ, ऐसा है ही नहीं। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि इस बार बहुत कुछ बहुत मुख्तलिफ होगा। वैसे बाय द वे मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रमजान ट्रांसमिशन, उनके ऑसम गई है और क्या जबरदस्त गेस्ट थे और किस तरह आपने सारा वो मैनेज किया था। मैं हैरान थी कि ये शख्स क्या रोबोट है, रात में भी इतनी देर, दिन में भी, मतलब ऑल द टाइम ही वॉज इन ऑफिस। थैंक यू, जबरदस्त, थैंक यू, आप मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई थिंक आप खुद देखेंगे कि बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जब तक हम लोगों से रेजोनेट नहीं करते, रिलेट नहीं करते, तब तक लोग आपकी चीज़ों को देखना नहीं चाहते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे भी पॉपुलर हो सकती हैं, जो टेलीविज़न के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बहुत फ्रूटफुल हो सकती हैं। तो हम इस बार शो को थोड़ा सा मुख्तलिफ कर रहे हैं, अच्छा। थोड़ा सा मुख्तलिफ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेस्ट सेंट्रिक नहीं हो सकता, सेलिब्रिटी सेंट्रिक नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में इतने मसाइल हैं, अब जैसे आप शो कर रही हैं, सुबह सुबह आपने इतनी खबरें सुनाई हैं तो दिल बहुत खुश होता है ना ये खबरें सुन के, फिर इंसान का एहसास, हालांकि परेशानी की खबरें ज्यादा होती हैं। That's exactly what I'm saying. I'm, you know, sarcastically saying कि आप सोचो, तो ऐसी सूरत हाल में थोड़ा सा फन होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो थोड़ा सा आपको रिलीफ दे। आप ऑफिस जाते हुए देख लें या आप बाद में अगर आप उसको यूट्यूब पे देख रहे हैं या कहीं फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप कहें यार चलो कोई तो कोई ऐसी बात हुई है जिससे मेरा दिन थोड़ा सा बेहतर हो गया। बिल्कुल, तो हम आपके दिन को शुरू करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बेहतर बनाने जा रहे हैं। आई थिंक सो मॉर्निंग शोज होने ही ना लाइटर, यू नो, स्टोरीज पे होने चाहिए, क्योंकि आप पूरा दिन ऐसी खबरें बुलेटिन में सुनते हैं, फिर प्राइम टाइम के शो सारे हार्ड पॉलिटिक्स पे होते हैं। Absolutely. तो मॉर्निंग में आप ठीक है सोशल इश्यूज पे बात होनी चाहिए, जाहिर है बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हल तलब भी हैं। अच्छा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता सोशल इश्यूज पे बात करके आप करेंगे क्या, बिकॉज यू नॉट गोना सॉल्व एनीथिंग। देखिए, हमने जेन्युइनली ये डिसाइड कर लिया कि हम चेंज नहीं होना चाहते, तो जब हम चेंज ही नहीं होना चाहते तो व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट। हम तो वेकअप कॉल देते रहते हैं ना। अब एब्सोल्युटली, एंड आई लव द वे यू स्टार्टेड द शो, आई लव व्हाट यू सेड। आई थिंक ये हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हम बोलते हैं, बताते हैं, थोड़ी देर के लिए असर भी होता है लेकिन उसके बाद कहीं चला जाता है। तो आई थिंक व्हाट यू गाइस आर डूइंग जस्ट अमेजिंग, और यू नो ऑनेस्टली। अच्छा, लेकिन पता है साहिर, इस मैंने ये देखा कि लोगों ने हर हर बार इस्तेमाल किया। एक वो वक्त था कि जब मॉर्निंग शोज में शादियों का सीजन हमने देखा कि जिसमें लोग शादियां उनकी दोबारा से हो रही हैं, मतलब सिर्फ यही दिखाने के लिए कि भाई जिंदगी में खुशी भी है, तो आप प्लीज ये भी देखें, खुश होना सीखें, खुश रहना सीखें, वो भी था, लेकिन अब लोग वो भी नहीं देखना चाहते, लोग देखना क्या चाहते। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग ये नहीं देखना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब हमने ये खुद ब खुद अज्यूम कर लिया, बिकॉज हम मसरूफ हो गए हैं, हमारी अटेंशन जो है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाती है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि शायद लोग ये नहीं देखना चाहते। अच्छा। लोग ये सब देखना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो ये नहीं देखना चाहते। देखिए, इशू ये है कि एक बार आप ये ट्रस्ट कर लें, ये डिसाइड कर लें कि आप जो कुछ हैं शायद वो दूसरा नहीं है, और जो दूसरा है शायद वो आप नहीं है। हमारे यहाँ थोरो रिसर्च नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप आज शादी शोज करें, अगर हम भी करने जाएंगे तो हम उसको कुछ मुख्तलिफ अंदाज में करेंगे। अच्छा। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये पॉसिबल ही नहीं है कि लोग नहीं देखना चाहते। हमारे यहाँ आज भी टेलीविजन देखा जाता है, आज भी अगर आप एडवर्टाइजर को उठा के देख लें तो उसका जो मेजर चंक है वो टेलीविजन पर इन्वेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है, आपका शो पूरी दुनिया में देखा जाता है, सिर्फ यहाँ नहीं देखा जा रहा, पाकिस्तान में पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है? इसके जरिए भी देखा जाता है और टेलीविजन के जरिए भी देखा जाता है। तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है? अल्टीमेट रियलिटी ये है कि चाहे आप टीवी को इस पे देखें या टीवी को आप उस पे देखें, देख आप टीवी रहें। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें ना साहिर, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि आपका एक बड़ा वसी तजर्बा है, ज़ाहिर 18 ईयर से आप टीवी के लिए काम कर रहे हैं और आपको ऑडियंस का भी अंदाज़ा है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है और आप किसको क्या। मुझे ऐसे लगता है कि मॉर्निंग शोज़ आमतौर पर वो खवातीन देखती हैं जो कि घरों में काम करने वाली हैं, क्योंकि जो वर्किंग वीमेन है वो सारी घरों से निकल जाती हैं 8 बजे 7 बजे, वो इवन कि उनको टीवी देखने का टाइम शायद शाम में मिलता है। तो वो खवातीन जो घरों में हैं या मे बी कुछ ऐसी भी होंगी जो अफोर्ड भी नहीं कर सकती,
जो हम दिखाते हैं बाज़ूकात वो चीज़ें होती हैं, वो मतलब क्लिनिकल मेडिकेटेड आइटम्स जो कि डॉक्टर्स आके दिखा रहे होते हैं, या फिर अगर हम किसी ब्यूटिशियन को बुलाएंगे वो प्रोडक्ट्स बताएगा जो आई थिंक सो वो ख़वातीन नहीं ख़रीद सकती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, उनके लिए आप ऐसा क्या नया लाएंगे जो कि अगर वो देख रहे हैं तो उस पर ना ज़ाहिर इन्वेस्ट भी कर सकें और उनके लिए वो इन्फॉर्मेटिव भी। देखिए हमारी टारगेट ऑडियंस ऐसी कुछ डिफाइन नहीं है, इट्स एवरीवन, सबके लिए शो है। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं इससे एग्री नहीं करता कि जो वर्किंग वुमेन हैं या सिर्फ वुमेन देखती हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जब आपको फीडबैक मिलता है तो वो चारों तरफ से मिलता है। ये ज़रूर है कि एक सर्टन ऑडियंस को हमने टारगेट ज़रूर किया होता है कि जी ये ऑडियंस होंगी, बट ऐसा नहीं है। अब जब आप हमारी शोज़ देखेंगी तो आपको लगेगा, आपको अंदाज़ा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा सबके लिए है, सब बिकॉज यू नो इस वक्त अगर आप वाइडर ऑडियंस को देखें तो वही आपकी कामयाबी है। अगर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एक क्लाइंट को फोकस करके चलेंगे कि सिर्फ इन्हीं के लिए आपने बनाना है, तो फिर तो आप अपने कॉन्टेंट के अंदर डाइवर्सिटी डाल ही नहीं सकते। तो अब हमने ये कोशिश की है पहली मर्तबा कि हम अपने कंटेंट को डाइवर्स कर लें। डाइवर्स करने से होगा ये कि जाहिर है हमको वो ऑडियंस मिलेगी जो इससे पहले शायद हमें नहीं मिली है। बट ये कहना मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा कहीं सही नहीं होता कि सिर्फ इसको वो खवातीन देखती हैं। मोस्टली मतलब मैंने बात की, ऑब्वियसली वो तो किसी ने भी अपनी शॉप पे भी अगर ट्विन किया हुआ है तो मे बी वो भी कोई मर्द भी बैठ के देख रहा है। देखिए मैंने जितने शोज किए ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे ही ऑडियंसेस होते हैं। अच्छा, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता हो सकता और दूसरे शोज ऐसे हों, बिकॉज मैंने कभी मॉर्निंग शो को मॉर्निंग शो ट्रीट नहीं किया। इट्स अ शो फॉर मी, इट्स नॉट, मुझे तो ये लेबल शायद हम चूँकि मॉर्निंग में करते हैं इसलिए इसको मॉर्निंग शो करते हैं। मुझे होस्ट के साथ ये लेबल पता ही नहीं चलता कि यूर होस्ट वेदर यू आर डूइंग अ मॉर्निंग शो और एन इवनिंग शो। अगर कल को मैं इवनिंग शो करूँगा या कल को मैं कोई न्यूज़ पे शो करता हूँ तो व्हाट डज दैट मीन, एम आई न्यूज़ एंकर, एम आई यू नो, कोई यू जस्ट अ होस्ट, दैट्स ऑल यू आर। तो टू मी आई थिंक आप खुद देखेंगी हमने बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हम लेके आए। बच्चों से इस बार बड़ा इंटरेक्शन है हमारा। अच्छा, समर्स आ गई हैं। जी बिल्कुल, बच्चों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। और कल जब मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि वाकई यार ये तो बहुत डिफरेंट है, ये हमारी नस्ल नहीं है। दीज किड्स हैव अ लॉट टू से, तो वो सब सुनना है। फिर इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कुकिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया है। आप मुझे कुक करते हुए देखेंगे। क्या बात है भाई, जबरदस्त। इसका मतलब वाकई बहुत डिफरेंट होने वाला है। लेकिन लाइव कॉल्स हैं, आप उसके अंदर लाइव कॉल्स में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे गेस्ट बहुत डिफरेंट होंगे। मेरा बहुत ज़्यादा, मैंने आपसे कहा ना, मैं पाकिस्तान फोकस्ड बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि सेलिब्रिटीज़ आर देयर, इंशाल्लाह वो भी हमको विजिट करेंगे, हेयर एंड देयर ज़रूर आएंगे। हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग होगी, बहुत हमारे लिए इज्जत की बात होगी अगर वो सेट पे हमें ग्रेस करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक अब थोड़ा सा हमें कंटेंट डिफरेंट ड्राइव करना है, तो देख के पता चलेगा 23 तारीख को कि हम क्या कंटेंट 29 तारीख को। अच्छा अच्छा साहिर, एक चीज़ और है, बल्कि आप समझें कि ये एक जस्ट मेरी सजेशन भी हो सकती है। आजकल आपको पता है कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो पता नहीं आप अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि सोचने में कुछ हम लोगों से ज़्यादा फास्ट है। मतलब जितने वो लोग ये आई को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर जितना आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम लोग ठीक है करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत तेज़ हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें इस तरह के शोज़ को, स्पेशली जो मॉर्निंग शोज़ हों, उनको यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में भी कंडक्ट करना चाहिए ताकि हमें सुनने को मिले कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। अब देखिए तो हमारे शोज़ को, अब मैंने तो बहुत किए हैं, अगर आपने मेरे शोज़ देखे हों तो आपको पता होगा कि ये ट्रेंड जो है यूनिवर्सिटीज़ में जाने का या बाहर, ये मैंने निकाला था। अच्छा, वी स्टार्टेड दैट, तो हम वी आर गोइंग बैक टू दैट। We are definitely visiting universities. We are definitely visiting institutions. Because you know, वो जो एक connection है वो miss नहीं होना चाहिए. Because we need to learn. I'm not going there to teach them. I'm going there to learn. मुझे वहाँ जाके सीखना है. मुझे ये समझना है कि exactly demand क्या है. कहाँ वो communication gap आए. तो you are absolutely right. That's what we are doing. हम कर रहे हैं ये. और सिर्फ यही नहीं कर रहे, हमने एक और शो डिजाइन किया है। अच्छा, हाँ हाँ, अभी आप देखिए, मतलब डबल ट्रीट है ये। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा। बोल बहुत कुछ बहुत मुख्तलिफ करेगा, एंटरटेनमेंट को हम चेंज कर देंगे। मेरे अपने जहन के अंदर एक टारगेट है 24 मंथ्स का, 2 साल का टारगेट है। अच्छा, 2 साल में हमने बहुत कुछ करना है और इन 2 सालों के अंदर दुनिया बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगी। हमको दुनिया के बराबर आके खड़ा होना है, हमको उस जगह आके खड़ा होना है जहाँ पर हमारे शो से लोग रिलेट करें, हमारे शोज़ को देखें, बी एट अ मॉर्निंग शो, बी एट अ नाइट शो, बी एट अ गेम शो, कुछ भी हो वो, और लोगों को ये पता चलना चाहिए कि बोल स्टैंड्स फॉर इटसेल्फ, बोल स्टैंड्स फॉर क्वालिटी। अच्छा, अब दूसरा मैं ये भी समझती हूँ कि बतौर एक होस्ट, एक हम पे एक जिम्मेदारी और भी आई थिंक सो अब इजाफी आ गई है, क्योंकि अब आपको पता है कि फिफ्थ जनरेशन वॉर भी हम लोग लड़ रहे हैं, और एक मिस इन्फॉर्मेशन का,
फेक इन्फॉर्मेशन का भी एक आपको पता है एक मतलब पीक टाइम चल रहा है। आप कैप्शन देखें अब सोशल मीडिया पे वो कुछ होता है अंदर से कुछ निकलता है, सिर्फ लोग व्यूज की दौड़ में पता नहीं क्या क्या अपना बेच रहे हैं जो कि आई थिंक सो ठीक भी नहीं है। तो उसमें ना ये इन शोज या इन टेलीविजन के जरिए इस प्लेटफॉर्म से ना लोग बहुत कुछ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वाकई ये ठीक था जो कि बाहर एक बंदा बैठ के बोल रहा है, पता भी चल रहा है कि भाई हाँ ये बात जो बता रहा है वो 100% ऑथेंटिक है जो हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बाजू का नहीं मिलती है। तो इस सेंस में भी हमारी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है इन शोज के जरिए लोगों तक सही चीज पहुंचाना। लेकिन जहर से आप इसको चेंज नहीं कर सकेंगे। सालों पहले ना एक शो आया करता था उसका नाम था द एंडी ग्रिफिथ शो। अच्छा हाँ, उसके अंदर एंडी ग्रिफिथ जो थे वो काम किया करते थे, एक बहुत बड़े लेजेंड हैं हॉलीवुड के। तो उनका एक बच्चा होता था जिसका नाम था ओपी। अच्छा ओपी, ओपी उसका नाम था। तो एक दिन ओपी क्या करता है, एक दिन ओपी एक अखबार में खबर निकालता है जो नेगेटिव होती है। अच्छा नेगेटिव। उसको वीकली अखबार निकालने का शौक होता है, ही इज अबाउट 10 इयर्स ओल्ड। सारे लोग उस अखबार को बाय कर लेते हैं। अच्छा। तो उसके फादर कहते हैं देखो तुम ये गलत है, ये नेगेटिव नहीं लिखो, तुम सही बात करो। वो दो हफ्ते सही बात करता है, कोई भी नहीं बाय करता। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 50s 1950s का ये भी टैक्टिक है मार्केटिंग का। देखिए बुराई सेल्स, बुराई सेल्स। आई एम सॉरी, हमको ना ये डिसाइड करना पड़ेगा हम लोग कौन है, हमारी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। दिस इज हु वी आर एंड नॉट जस्ट अस, हम पाकिस्तानियों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, नॉट जस्ट अस, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने तो वॉर्स बना दी है, बेस करवा दी है झूठ पे। सही कह रहे हैं, झूठ पे मबनी करवा दी पूरी पूरी जंगें। तो आई थिंक उसको आप रोक नहीं सकेंगे, बट यस इट कैन हेल्प इफ वी कैन सिट देयर एंड टेल देम यार ये मत करो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर जरूर होगा, लेकिन आप इसको शिकस्त नहीं दे सकते। जैसे जैसे जमाना आगे जा रहा है, मैंने आपको बताया ना कि अब से थोड़े दिनों के बाद चाइल्ड बर्थ का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। आज से 20 साल के बाद चाइल्ड बर्थ का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है, आप लैब से जाके बच्चे लिया करेंगे। सीरियसली? यस यस यस। नहीं, वूम बना दिया गया ना, लैब के अंदर वूम बना दिया गया, एक्सपेरिमेंट कुछ आ गया मतलब। सो आई एम जस्ट सेइंग, एंड इट्स रॉन्ग और राइट ये एक अलग बहस है, बट क्या जमाना वहां जाएगा, जमाना वहां जाएगा। अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे तो आप पीछे खड़े हो जाएंगे, आप पीछे खड़े हो जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा मैं चाहूंगी साहिद थोड़ा सा हमें इस शो के बारे में और बताइए, जैसे कि आपने कहा कि ये सभी के लिए होगा। देखिए सबसे पहले तो क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, लेकिन सॉरी मैं अच्छा मुझे ना इसमें ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ एक कैसा तबका भी है जो बड़ा इंटेलेक्ट लोगों को सुनना चाहता है, जिनको पोइट्री से शगफ है, जो कि चाहते हैं कि वो किताबी बातें पढ़ते भी बहुत हैं और सुने भी बहुत। इन्हें गले लगा के प्यार कर लो यार, शो तो यहाँ पे हो रहा है, ये शो वहीं पे कर रहे हैं, प्यार कर लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा अंकल, बाद में मिल लीजिएगा इनसे। अच्छा उनको भी नहीं पता चला, बाद में मिल लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाद में मिल लीजिएगा। गले वाले बाद में मिल लेना, मैं चला जाऊंगा थोड़ी देर में। मुसलसल लगे हुए एक दूसरे से, ओ क्या हो तुम, सुबह सुबह कैसा हो गया, अच्छा हो गया यार तुम। पॉजिटिविटी भी खेल। अच्छा और मजे की बात, ये सब मर्द बात कर रहे हैं ना, एक दूसरे को बता रहे थे, तुझे पता तेरे भाई ने क्या किया। ये लोग ना यही देखना चाहते हैं। नहीं मैं और मैं यही करूंगा, आप फिक्र नहीं करें। तो और एक दूसरे को बता, तुझे पता तेरे भाई ने क्या किया, दूसरा क्या, तुझे पता तेरे भाई ने क्या किया, हालांकि दोनों को पता दोनों भाइयों ने कुछ नहीं किया। इट डिड नॉट, नथिंग हैपेंड। मतलब आजकल यही बिक रहा है। ठीक है मैं बताऊँ हम, अच्छा मैंने तो हमेशा यही किया, यही किया तभी आप बिल्कुल सही बिके। देखिए जी मैं, मेरी कीमत बहुत ज़्यादा। अच्छा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई कैन कुक, आई कैन क्लीन। तो आप अगर चाहते हैं, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा क्लीन कर सकता हूँ, बहुत अच्छी ड्राइविंग करता हूँ। सेट की सफाई भी की आपने? ही नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अच्छा अगर मेरे पास जॉब खत्म हो जाए यहाँ, तो मेरा रेज्यूमे आपके पास है, आप अपने घर में मुझे बुला सकते हैं, मैं चौकीदारी कर सकता हूँ, आपके बच्चों को स्कूल ले जा सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ, आयरन कर सकता हूँ। आप क्या कह रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा आई कैन डू एवरीथिंग। आपको मैं, आपको भी नहीं पता कि हमारे शो में होने क्या वाला है। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ दोस शोज कि आप इंतजार करें कि यार यू नो ये शो आना चाहिए। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, ना मैं नेगेटिव होना चाहता हूँ, ना मुझे किसी के पीछे लगना है, ना मुझे किसी बात का जवाब देना है, मुझे सिर्फ वो काम करना जो हमें करना है। अच्छा वैसे वेरी सॉरी टू से, मैंने कुछ, मैं नाम नहीं लूंगी, मैंने एक दो ऐसे मॉर्निंग शो एंकर्स को देखा है, होस्ट को देखा है जो बहुत सीनियर भी है, लेकिन बाकायदा उनकी ना बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई है सोशल मीडिया पे, कुछ इस तरह की बातें करने पर जो बड़ी बिलो द बेल्ट थी, या फिर कुछ ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस थे जो कि उनको नहीं, मेरा ख्याल है किसी को बुला के पूछने चाहिए। बाकायदा एक खातून ने जो कि एक्ट्रेस थी, उनको बोला कि भाई लोग तो ये बातें करते हैं, अब लोगों पर रख के मुझसे आप क्यों पूछ रही हैं। मतलब कितनी नहीं, मतलब ना ऐसे ही किसी एक्ट्रेस से पूछा कि भाई आपकी शादी को इतना अर्सा हो गया, आपके बच्चे क्यों नहीं, मतलब ये क्या क्वेश्चन है। उस पर उन्होंने बोला कि, उन्होंने बोला लोग ये कहते हैं, मैंने कहा लोग कहते हैं आप क्यों कह रही हैं। तो मतलब लोग जाहिर है अपने उस मॉर्निंग शो को चलाने के लिए या अपने उस कंटेंट को बेचने के लिए कुछ ऐसी हरकतें भी बाजू कर जाते हैं। मैंने तो खैर कभी भी ये चीजें नहीं की, और मुझे पता भी नहीं आप क्या रेफरेंस दे रही हैं, बिकॉज़ जेन्युइनली मुझे, मैं जस्ट एक ओवरऑल जनरल बात कर रही हूं। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि
ना तो मैंने ऐसे कभी किया ना मैं ऐसे कभी करूँगा, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है देर इज़ सो मच मोर टू इट. मेरे पास जब भी कोई गेस्ट आता है मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है. बिल्कुल. टू मी आई थिंक देर आर बाउंड्रीज दैट आई डिफाइन और मैं उसको क्रॉस नहीं करता. मैं आपको बता दूँ इस बार बहुत बहुत मुख्तलिफ करने जा रहे हैं, बहुत मुख्तलिफ है. वो बिल्कुल आपका रेगुलर मॉर्निंग शो नहीं है. जो आपका रेगुलर मॉर्निंग शो होता है कुछ एलिमेंट्स उसमें वो भी होंगे जाहिर है, बिकॉज आप उनसे बिल्कुल अलग कट के नहीं जी सकते. कुछ एलिमेंट्स वो भी होंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी आपने पोइट्री की बात की थी, पोइट्री इज़ गोइंग टू बी देयर. सिंगिंग का मुझे बहुत शौक है, म्यूज़िक का बहुत शौक है पाकिस्तान के, बल्कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से ऐलान भी कर रहा हूँ अगर आपको सिंगिंग का शौक है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. बोल न्यूज़ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बोल एंटरटेनमेंट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर जुमे के बाद आज जोहर के बाद बढ़ता है हर मस्जिद में चारों तरफ पाकिस्तान में हर जगह बढ़ जाता है. मेरा वैसे इस एग्जांपल को देने का मकसद सिर्फ इतना था कि जब जब साहिर को देखा है साहिर ने ग्रेस के साथ विद इन द बाउंड्रीज इतना अच्छा काम किया है कि लोगों ने हमेशा इनको पसंद किया है. ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी कि लोग सीनियर होके भी आजकल अपने मॉर्निंग शो को बेचने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद उन्होंने पहले नहीं किया होगा. तो बताने का मकसद ये है कि ये वो एंकर हैं कि जिनको आपने देखना है, और अगर ये कुछ सरप्राइज आपको देने वाले हैं और ये बता रहे हैं कि धमाका होने वाला है तो वो यकीनन होगा और आपको पसंद भी आएगा. तो फाइनली आप बता दें डे और डेट क्या है ताकि लोग उस दिन को अपने जहन में रखें और आपका शो देखें. मंडे यानी आने वाला मंडे 29 अप्रैल सुबह 9 बजे हम और आप लाइव होंगे. और प्लीज़ हमें भी देखिएगा, आपने बहुत मोहब्बतें दुनिया बोले को दी है, हमें भी दे दीजिएगा थोड़ी सी, तो वी रिक्वायर दैट. बहुत बहुत शुक्रिया. 29 अप्रैल यानी मंडे का दिन है, सुबह 9 बजे 9 से 11:30 बजे शो होगा. प्लीज़ स्टे विद अस. इट्स लवली टॉकिंग टू यू. और सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कभी मुझे इस पूरे हफ्ते में इतना मुस्कुराते हुए सुबह सुबह नहीं देखा होगा, जो कि आज मैंने साहिर के साथ इतना अच्छा ये गपशप का सेशन रहा है. तो होप सो आपने इंजॉय किया होगा. अभी मेरा ख्याल है हमें ब्रेक लेना है. थैंक यू सो मच साहिर फॉर योर टाइम. और अभी जनाब ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो कीप वॉचिंग अस. जी वेलकम बैक नाज़रीन. और आज दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, स्पिरिट्स हाई हैं, तो अच्छी अच्छी बातें मैं कोशिश कर रही हूँ करूँ, लेकिन क्या करें, कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो कि देरीना हल तलब हैं. और बात तो बहुत होती है लेकिन मजाल है को हल निकले. इन दिनों आपको पता है कि तकरीबन महंगाई अपने उरूज पर है. हम लोग सुन रहे हैं कि महंगाई कम करने की पूरी कोशिश हो रही है, मईशत अपने ट्रैक पर आ गई है. ईरानी सदर का दौरा, सऊदी वफ्त आया, फिर वज़ीर आज़म कराची आए, उनकी तरफ से कहा गया सऊदी वफ्त का इंतज़ार करें, वो आएंगे, उनको निहारी खिलाएं, बिरयानी खिलाएं, पाए खिलाएं, तो इंशाल्लाह कारोबार भी चलेगा, मईशत भी ट्रैक पर आ जाएगी, चीज़ें बेहतर होंगी, गरीब को सस्ती रोटी मिलेगी. ये मरियम नवाज़ सड़कों पर निकली हुई हैं और हम देख रहे हैं कि मियाँ साहब उनके साथ हैं कि रोटी सस्ती दो. तो ये जो सारी काविशें हैं ये एक तरफ, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पेट्रोल है कि बढ़ता जा रहा है, बिजली है कि बढ़ती जा रही है, गैस है कि नापैद हो चुकी है, नज़र ही नहीं आ रही है. तो इस सारी सूरत हाल में जो काविशें इस वक्त मरियम नवाज कर रही हैं, उन्होंने कुछ अच्छे फैसले भी किए हैं. रोटी की कीमत बिल्कुल कम हुई है, नोटिफिकेशन भी आ गया है. इस्लामाबाद में बता नान भाई चले गए कोर्ट और वहाँ पर वो नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया है और कहा गया 6 मई तक अभी रोटी की कीमतें वही रहेंगी जो पहले थी. तो क्या हमें ये सऊदी वफ़ से इतनी तवक्कुआत लगानी चाहिए? क्या वाकई महंगाई कम होगी? क्या ये काविश रंग लाएंगी? इस वक्त हमें पराचा साहब ने ज्वाइन किया, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. पराचा साहब ये जो सारी बातें मैंने की हैं और जिस उम्मीद का मैंने इजहार किया है, क्या आप उम्मीद हैं? जी बहुत शुक्रिया. गुड मॉर्निंग. बाकी किसी से उम्मीदें लगाएं या नहीं लगाएं, जो हमारे बस में है पहले तो वो करें. रोटी की आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, अगर पंजाब में ये 16 रुपए हो सकती है तो फिर ये सिंध में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हो सकती. दूसरी बात ये है कि बम्पर क्रॉप है हमारे यहाँ, गंदम जो इंपोर्ट हुई केयरटेकर गवर्नमेंट में, वो क्यों इंपोर्ट की गई, उसके खिलाफ तो तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और वज़ीर आज़म ने खुद कहा है कि मैं तहकीकात करवाऊंगा. यानी एक चीज आपके यहाँ वाफिर थी, ऊपर से दरामद कर ली गई, मैं गंदम की बात कर रहा हूँ. आटे का थैला 800 रुपए कीमत कम हुई है, तो उसका फायदा, उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो तो आम लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो क्यों नहीं पहुंच रहा? अगर पंजाब में, लाहौर में मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसको एनफोर्स कर सकती हैं, उल्टा
यहाँ फैसिलिटेट किया जाता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो नान भाई एसोसिएशन के हक में फैसला दे दिया कि नहीं 16 रुपए की भाई आप रोटी ना बेचें, आप अपनी मनमानी करें। 6 मई तक अगर ये फैसला खत्म भी होता है तो 25 अप्रैल से लेकर 6 मई तक जितना नान भाई एडिशनल पैसा कमाएंगे वो वापस करेंगे क्या? यानी कमोडिटी है जिसको आटा कहते हैं, वो 800 रुपए कम हुआ है तो उसका फायदा अवाम तक ना पहुंचे, अदालत भी आड़े आ गई, हुकूमत भी आड़े आ गई, नान भाई एसोसिएशन भी आड़े आ गए। अब दूसरी बात है कि पाकिस्तान में जो बाहर के लोग आ रहे हैं, सरमायाकार आ रहे हैं, एक अच्छा आगाज हुआ है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की तरफ से, जो इकदाम लिए गए और जिस तरह की ब्रीफिंग दी गई सऊदी वजीर खारजा और उनके वफ्द के अराकीन को। अब वजीर आजम साहब खुद 28 को जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, वहाँ उनकी मुलाकातें होनी हैं, वहाँ हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी मुलाकात मुतवक्को है, तो उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आएंगे और जो एग्रीमेंट्स होने हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होने हैं इन्वेस्टमेंट, एक माहौल अच्छा बन रहा है। अभी इसके जो आपका क्वेश्चन है फायदे कितने होंगे, कैसे फायदे होंगे, अगर तो सरमायाकारी पाकिस्तान में आ गई, 10-12 अरब डॉलर पाकिस्तान की इकोनॉमी में रिसाइकल हो गया, सर्कुलेट हो गया, तो फिर तो उसका जो जनरल एक खुशहाली है, मसलन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मसलन यहाँ पर चीज़ें तैयार होंगी, मसलन पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। अगर ऑयल रिफाइनरी वाला बड़ा प्रोजेक्ट जो 10-12 साल से पेंडिंग है अगर वो लग जाता है, इट ऑल डिपेंड्स के हम अपने अंदर कैसे लोगों को एतमाद की फिजा दिखाते हैं कि हाँ हम इस काबिल हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा फसाद या लड़ाई नहीं है, जो इन्वेस्टर है वो एक देखिए राजा साहब, कल हमने देखा, बल्कि परसों की बात है, जब शहबाज शरीफ साहब को बकायदा ताजर बरादरी की तरफ से मशवरा दिया गया कि भई आप सब मिलकर बैठें, भारत से भी बात करें, अडियाला जेल में भी आप रवाबित अपने बढ़ाएं और सब एक पेज पर होकर इस मुल्क की फलाह के लिए, इस मुल्क के मफाद के लिए काम करें, नाराज़गी किसी से भी नहीं होनी चाहिए, तो आपके ख्याल में ये मशवरा जो उनको दिया गया है ये सही है? मैं आपसे यही बात कर रहा था कि जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर है, वो एक परिंदे की मानद है कि अगर उसको एक सिक्योर इन्वायरमेंट फील होता है तो वहाँ स्टे करेगा, अदरवाइज वो वहाँ से चला जाएगा। अब जहाँ तक बात है अडियाला के अंदर बानी पीटीआई खान साहब से बात करने की, ये जो लोग हैं इस वक्त जो हकूमत में हैं, चाहे वो ऐवान सदर में हों, वज़ीर आज़म ऑफिस में हों, वो काबीना में हों, जब ये अपोजिशन में थे, आपको याद होगा खुद मियां शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर की हैसियत से इन्होंने एक दिन कहा था कि हाँ मिसा के मईशत पर दस्तखत होने चाहिए, हम अपोजिशन के लोग इस गवर्नमेंट को जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हम इस पर तैयार हैं बात करने के लिए। खुद बिलावल भुट्टो दरदारी ने भी कहा था टेररिज्म के मामले पर कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रुकावट कहां से है? रुकावट जो ये गवर्नमेंट है जिसको आरिफ हबीब साहब मशवरा दे रहे थे कि आप बात करें, इधर से रुकावट नहीं है, उधर से पैगाम आ जाता है कि हम तो सियासी कुव्वतों से बात ही नहीं करेंगे, हम तो सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से। और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या बयान आते हैं वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, तो इरादा उन्होंने करना है जिनके बारे में कहा गया। चलिए वो भी सोच रहे होंगे, जब ताजिर बरादरी भी ये मशवरा दे रही है तो मे भी वो भी उसको कुछ थोड़ा सा जेरे गौर लाएं। मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी मरियम नवाज के हवाले से। पराचा साहब, मरियम नवाज माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम कर रही है, कल उन्होंने खुद भी कहा कि मैंने अपने चचा और अपने वालिद की लेगेसी को आगे लेके चलना है और मैं जस्ट अ कॉल अवे हूँ, जस्ट अ टेक्स्ट अवे हूँ, जब चाहे मुझसे बात करें मैं हर तरह की हेल्प आपकी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक तूफान आ जाता है, यहाँ मरियम बाहर निकली नहीं कि वहां पर लोग एकदम तनकीद शुरू कर देते हैं कि ये तो भाई सड़कों पर मौजूद है, इनके निकलने से कौन सी महंगाई कम हो जानी है, और अनडाउटेडली खूबसूरत भी वो कल लग रही थी, उस पर भी लोगों ने बात की कि भाई इनका सारा फोकस तैयारी पे होता है अपनी, कि इन्होंने बंद संवर कर बस बाहर निकलना होता है। कैसे देख रहे हैं आप इस तनकीद को? टू अर्ली टू जज, अभी तो फरवरी 8 को इलेक्शन हुआ, उसके बाद हुकूमत बनी, खाली मार्च का महीना दरमियान में गया और हम अप्रैल में हैं, अप्रैल में बात करें, टू अर्ली टू जज दी परफॉर्मेंस जिसकी तरफ आप बात कर रही हैं। ये तो 5 साल का मैंडेट है, हम अभी 40 दिनों में 50 दिनों में जजमेंट दे दें कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, या हम कहें कि जी जैसा आपने कहा कि
सारा दिन खुद तैयार होती हैं। लेकिन देखें इनिशिएटिव्स जो आए, मसलन ये रोटी वाली अभी आप बात कर रहे थे, पंजाब में तो इंश्योर कर दिया गया ना कि 16 रुपए की रोटी मिलेगी। पहले लोगों ने चूचना किया, लेकिन उसके बाद अब वो स्टेबल हो गए कि हाँ हमने इस रोड पे इस रेट पे रोटी देनी है। रोटी का जब मैं अपने शो में बात करता हूँ तो मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि यार किन कामों में आप पड़ गए हैं इस मुल्क में, आप पॉलिटिक्स पे बात करें, आप खान पे बात करें, आप नवाज शरीफ पे बात करें, आप शहबाज शरीफ पे बात करें, आप आसिफ जरदारी पे बात करें, आप बिलावल भुट्टो जरदारी पे बात करें, आप मौलाना फजलुर रहमान पे, भाई हम करते हैं। लेकिन जो मेरे मुल्क के लोगों का 25 करोड़ लोगों का मसला है, रोटी अभी भी एक प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों नहीं। और दूसरा राजा साहब देखिए, बातें तो काम है लोगों का करना, आप हर किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, हर किसी का सोचने का अपना अंदाज है, लेकिन जहां पे काम अच्छा किया जा रहा है, जो नेक नियति के साथ काविश अगर की जा रही है तो उस पर क्रेडिट देना बनता है। मरियम नवाज निकली है, उन्होंने मेक श्योर किया है कि रोटी सस्ती पंजाब की आवाम को मिलनी चाहिए और मिल रही है, तो ये अच्छी बात है, इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ कि जो इनिशिएटिव लिए गए उनको आप ये देख लें कि क्या वो किसी मुस्बत डायरेक्शन में है। मसलन ये रोटी से हट के दूसरी बात जो साफ पंजाब वाली बात की गई, या वो जो सफाई के प्रोजेक्ट्स के हवाले से हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिए गए, तो एक डायरेक्शन तो नजर आ रही है कि हाँ अगर आप इस मुल्क के चले 25 करोड़ ना सही 24.5 करोड़ आवाम जिनका रोटी का मसला है, एक रोटी अगर मिले 25 रुपए की और घर में 6 अफराद हों तो हम माशाल्लाह रोटियां ही खाते हैं और क्या खाते हैं हम। तो आप कैलकुलेट कर लें कि अगर दिन में 6 अफराद 3 रोटियां कंज्यूम करें तो 18 रोटियां बन गई, और उनको मल्टीप्लाई कर दें 25 पे तो कितना बजट बनता है। उतनी डेली वेज नहीं है, एक दिन की मजदूरी नहीं है जितनी एक दिन रोटी का खर्चा है। तो इसको तो मैं कहता हूँ 10 रुपए पे लाएं और आटा सस्ता करें। बेशक आप ये देखिए राजा साहब, ये जो इनिशिएटिव लिया गया ये पंजाब से शुरू हुआ है, हमें सिंध में बिल्कुल कोई ऐसी हलचल दिखाई नहीं दे रही कि कोई नोटिफिकेशन, कोई बात, कोई शोर शराबा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ये वहाँ पर हुआ है तभी वहाँ पर रोटी चले, कुछ तो सस्ती मिलना शुरू हुई है, आगे चल के में भी मजीद सस्ती हो जाए। अभी सिंध में अब बात शुरू हुई है जब वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई है। अच्छा मुझे ये बताएगा कि ओवरऑल जो अभी सारी सूरत हाल है, जिस तरह के अभी छोटे मियाँ साहब यकीन दहानी करा रहे हैं कि भाई अब हालात जो है वो अब बदल जाएंगे, चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, फिर हमें कर्ज भी मिल गया है, स्टैंड बाय दीगर कर्जों की बातें भी हो रही हैं, और आपने ये भी देखा कि ईरान के सदर आए, फिर सऊदी वफ्त ने भी अब आना है, तो वो जो सरमायाकारी नहीं आ रही थी वो अब आना शुरू हो गई है, तो हम ये समझ लें कि चीजें अब बेहतर हैं। बुनियादी तौर पर बेहतरी की तरफ है, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि ठीक हो गया, ऑल इज वेल, नो इट्स टू अर्ली टू गिव एनी वर्डिक्ट। बात ये है कि फॉरेन रिलेशन पे बात कर लें, रात को ही स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप को आगे बढ़ा के जाना चाह रहे हैं। अमेरिकन एम्बेसडर यहाँ इस्लामाबाद में डेली अश्योरेंस कर रहे हैं। कल तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है एम्बेसी से सर्टिफाइड जारी की, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान इज आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, अव्वलीन तरजीह है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से। सिमिलरली ईरान के सदर आए, वो ना सिर्फ इस्लामाबाद में मीटिंग्स की, वो लाहौर भी गए, वो कराची भी गए, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को मैसेज दिया, वो सिंबल ऑफ पाकिस्तान सॉवरेंटी, अलामा इकबाल का मदार या कायद का मदार, जो बुनियाद है स्टेट ऑफ पाकिस्तान की सिंबलिज्म में, वो वहां पर पहुंचे। सऊदी वजीर खारजा आए, उनके साथ 4 तो वज़रा थे और हाई पावर डेलीगेशन था, 100 लोगों से ज्यादा, कभी इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं आया। तो ये एक इब्तदा हो रही है। IMF ने इसको हम ट्रस्ट कह सकते हैं मौजूदा हुकूमत पर, दूसरे ममालिक का? जी डेफिनेटली, इसमें तो अगर कोई आपके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, आपके साथ बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, तो उनका ट्रस्ट है। और इतने बड़ी तादाद में हमारे यहाँ एक तो कहा जाता है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, कोई ना आए, लेकिन आपने देखा 100 से ज्यादा सऊदी डेलीगेशन आया, फिर 8-10 वज़रा थे ईरानी सदर के साथ
डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब के साथ, वो पाकिस्तान में आए और मैंने आपको बताया अवामी मकामात पे गए आईएमएफ के साथ। अभी 29 को शायद वो उनका बोर्ड की मीटिंग है, ये जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, $1 अरब से ज्यादा पैसे आ जाएंगे अगले प्रोग्राम के लिए, उन्होंने पाकिस्तान की दरखास्त मंजूर कर रही है। तो पार्टनरशिप दुनिया जो पाकिस्तान से निकलना चाह रही थी या निकल गई थी 4-5 साल पिछले जैसे गुजरे, अब दुनिया वापस आ रही है, एक अच्छी शुरुआत है। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है और यही स्टेबिलिटी पाकिस्तान को चाहिए भी, ताकि मईशत ट्रैक पर रहे, कारोबारी हजरात खुश रहें और यहाँ पर एटलीस्ट महंगाई का जो खात्मा है ना वो हो सके। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा ज़रा आपसे चाहूँगी पराचा साहब, सियासी माहौल पर थोड़ा सा ज़रा मुझे अपनी राय दीजिएगा। अभी आपने देखा KP में माहौल बिल्कुल डिफरेंट है, ज़ाहिर है वहाँ पर हुकूमत मुख्तलिफ है, और अगर दीगर सूबों की बात की जाए तो वहाँ पर ज़ाहिर है यही जमातें हैं जो कि आपस में इनका इत्तेहाद भी है और मिलकर चलना चाह रही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो ये जो बात अभी की जा रही है, ये बात एस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ा सा इसको वाकई कंसिडरेशन में लाना चाहिए और मामलात को अब कुछ इस तरह सेटल करना चाहिए कि एटलीस्ट हुकूमत जल्दी चलती ना हो और ये सब मिलकर बैठकर एक साथ काम करें, वरना यही होता है कि हुकूमतें 2-2.5 साल मुश्किल से पूरे करती हैं और हुकूमत ख़त्म हो जाती है, फिर नए इलेक्शन, फिर वो सारे मामलात, तो इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बन पाती हैं ना, उस तरह काम हो पाता है ना, काम करने दिया जाता है। दो ट्रैक्स पे इस वक्त हम चल रहे हैं, अगर सियासी जमातों की बात करें तो तकरीबन तमाम सियासी जमातें कहीं ना कहीं पावर में है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में है, PTI की गवर्नमेंट KP में है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में है, मरकज में है, और बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग आपस में पार्टनर हैं इस गवर्नमेंट में। एमल वली खान साहब अगर सेनेटर बने हैं तो वो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से बने हैं। अगर अचकजई साहब को PTI ने सदर पाकिस्तान के लिए नॉमिनेट किया तो वो PTI की तरफ से आए थे, क्योंकि उनका तो अपना एक आध वोट होता है, इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई पावर में मौजूद है। हाँ, आपस में वर्किंग रिलेशनशिप है या नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बार बार कहते हैं कि हम सूबे का हक मांगेंगे, हम सूबे का हक लेंगे, छीन के लेंगे, हक ना मिला तो इस्लामाबाद बैठ जाएंगे जाकर, कब्जा करने की कल बात की, लेकिन जब इंटरप्रोविंशियल ऑफिशियल मीटिंग होती है तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, वो आते रहे। अब दूसरी बात जो है, 2002 से लेके 2023 तक हमने देखा कि असेंबली तो 5 साल मुदत पूरी करती रही, लिहाजा नो फ्रेश इलेक्शन, क्या 2 साल बाद जो 90s में होता था, 85 की असेंबली 88 में टूटी, 88 की 90 में टूटी, 90 की 93 में टूटी, 93 वाली 96 में टूटी और 97 वाली 99 में टूटी, लेकिन अब 5 साल असेंबली पूरी कर रही है 2002 के बाद। हाँ, कोई वजीर आजम अभी तक पाकिस्तान की चक्कर्ड हिस्ट्री में, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किसी वजीर आजम ने 5 साल पूरे नहीं किए। इवन जुल्फकार अली भुट्टो शहीद भी, खुद उन्होंने पहले 6 महीने असम्बली तोड़ के इलेक्शन करवा दिए। अभी 2002 के बाद जब असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर रही हैं, 2002 और 7 के दरमियान 3 वजीर आजम आए, जमाली साहब, शुजात हुसैन, शौकत अजीज, फिर 2008-13 में 2 वज़ीरे आज़म आए। बस वही बात है पराचा साहब, इस रिवायत को अब ख़त्म होना चाहिए और जो भी हुकूमत आए, जमहूरी हुकूमत हो, और अपना टेन्योर पूरा करे, अवाम की फलाह के लिए पूरे दिल और नेक नियति के साथ काम करे, तो बाकी तो फिर आपको पता है अल्लाह ताला मदद करने वाला है। चीज़ें क्यों बेहतर नहीं होंगी, वसाइल से माला माल ये मुल्क है, किसका दिल चाहता है कि अपने प्यारे मुल्क को छोड़कर दरबदर हो या फिर मुल्क बदर हो जाए और जाए हिजरत करके, ऐसा कोई नहीं चाहता। इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की इस मुल्क को पिछले दिनों छोड़ती रही है, किसी का दिल नहीं चाहता छोड़ने का, लेकिन हालात ऐसे थे। लेकिन अब चीज़ें माशाल्लाह बेहतरी की तरफ हैं, तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब जनाब एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कीप वॉचिंग अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ये भी बड़ी खुशाइंद खबर है, और अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको बार बार अप्रिशिएट करना चाहिए। मरियम नवाज़ की बात मैंने पहले भी की, मैं फिर से कर रही हूँ, और अब एक नया इनिशिएटिव जो उनकी तरफ से लिया गया है, मेरी आवाज़
मरियम नवाज, बड़ा जबरदस्त कैप्शन है और खवातीन के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा ये एक जिसे कह सकते हैं कि अरेंजमेंट कराया है। 15 पैनिक बटन्स लगवाए हैं पूरे पंजाब में और वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो कंप्लेन कर सकती हैं। इस वक्त हमें अक्सा फयाज ज्वाइन कर चुकी है जो कि इस वर्चुअल पुलिस स्टेशन के हवाले से हमें बताएंगी, वहाँ के इंचार्ज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अक्सा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि बतौर खातून आप इंचार्ज तो हैं ही और सारा सुपरवाइज भी कर रही होंगी इस वर्चुअल पुलिस स्टेशन को, कैसा महसूस कर रही हैं आप? खवातीन के साथ बाज़ुकात कुछ इस तरह के वाकयात पेश आते हैं कि जिनमें वो पुलिस स्टेशन भी जाती हैं तो एकदम कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करता, ऐसे में इस तरह का वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम हो जाना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है? ये जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है या ये जो स्टेप है ये बहुत ही शानदार है स्पेशली खवातीन के लिए, क्योंकि वही आपकी बड़ी बात है कि पुलिस स्टेशन जाना और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना और उसके बाद एफआईआर रजिस्ट्रेशन, ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है और खवातीन इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का उनको सामना करने को मिलता है कि वो ये कुछ कहीं उनके वो जो अपने पीछे ले लेती हैं कि नहीं हमें आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस हैसल को ख़त्म करने के लिए और ये खवातीन की सहूलत के लिए बहुत शानदार एक इकदाम लिया गया। अच्छा अक्सा, अब ये आइडिया किस तरह कंसीव किया गया, मरियम नवाज से डिस्कशन किस तरह हुआ और कितना वक्त लगा ज़ाहिर है इसको मुकम्मल करने में, कुछ बताएंगी ये थ्रू आउट जर्नी कैसा रहा? वेल, अगर हम बात करते हैं कि ये आइडिया कैसे आया, वही बात है कि खवातीन के लिए, क्योंकि जब एक सर्वे किया गया और आपको पता है इसके ऊपर भी एक लंबी चौड़ी एक काम होता है, वर्किंग होती है कि हमारे आसपास में असल में सोसाइटी में हो क्या रहा है। हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं स्पेशली खवातीन से रेलिवेंट जितने भी केसेस थे उनमें अक्सर ये देखा गया कि खवातीन जो हैं वो किसी भी किस्म की कोई हरासमेंट है, चाहे वो वर्क प्लेस हरासमेंट है, चाहे वो पब्लिक हरासमेंट है, या फिर कोई अगर डोमेस्टिक वायलेंस है, या अगर हम हीनियस कैटेगरीज की तरफ जाते हैं तो कोई रेप केस भी है, तो सिर्फ इस बात को सोच के कि हमें पुलिस स्टेशन के ये चक्कर लगाना पड़ेंगे और क्या हमें खुद जाना पड़ेगा, इस सारे मामलों को देखते हुए खवातीन पहले ही खामोशी इख्तियार कर लेती हैं और वो इस केस को प्रोसीड नहीं करती। तो जब देखा गया कि खवातीन को इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है तो एक आइडिया ये था कि क्या क्यों ना एक ऐसा पुलिस स्टेशन, क्योंकि जो वुमेन पुलिस स्टेशन है वो तो पहले से ही बन चुका था और अच्छा काम भी चल रहा था, लेकिन वही बात है कि पुलिस स्टेशन है तो जाना तो पड़ेगा, तो पॉइंट ये था कि कुछ ऐसा किया जाए कि क्यों ना खवातीन को घर बैठे उनके केस से रेलेवेंट, उनकी एप्लीकेशन से रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन्हें वो प्रोवाइड की जाए। सो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को बनाया गया कि खवातीन अच्छा, जो है वो अपने घर बैठे अगर किसी भी तरह की कंप्लेन है तो वो दर्ज कराएं, और जाहिर है समटाइम्स खवातीन हिचकिचाती हैं स्पेशली थाने जाने से तो हर कोई डरता है। अच्छा मुझे अक्सर ये बताइएगा कि इसका तरीका कार क्या है, कि अगर मुझे कोई कंप्लेन दर्ज करानी है और ये पैनिक बटन्स क्या हैं और मुझे किस तरह अपनी कंप्लेन रजिस्टर करानी है, इसका तरीका कार क्या होगा ताकि जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो खवातीन सुन रही हैं चाहती हैं वो करवाना, उनको पता चल जाएगा फिर? अच्छा तरीक़ेकार इसके बहुत सिंपल हैं। पहला एमरजेंसी 15 नंबर, सब इस नंबर के बारे में जानते भी हैं। एमरजेंसी 15 पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको एक आईवीआर सुनने को मिलेगा, उसमें जब आप 2 प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल या आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा हमसे, यानी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से। दूसरा तरीक़ेकार है वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए से, इस एप्लीकेशन के जरिए से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वुमेन सेफ्टी ऐप में आपको लाइव चैट का फीचर भी मिलेगा, आपको 15 कॉल का भी मिलेगा, इसके अलावा आपको वीडियो कॉल का भी एक फीचर मिलेगा। इसके साथ साथ पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको पोर्टल मिलेगा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के नाम से, वहाँ पे भी अगर आप अपनी कोई एप्लीकेशन या आपकी कोई भी कंप्लेन है अगर आप उसे इनिशिएट करते हैं तो वो एप्लीकेशन भी हमारे पास ही आएगी। सो ये 3 ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनसे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पुलिस ऐप है, उस एप्लीकेशन के जरिए से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सही। अच्छा आप मुझे बताएगा, अभी चूंकि ये लॉन्च तो हो चुका है तो कितनी कॉल्स आप लोगों को रिसीव हो चुकी हैं, कंप्लेंट्स रिसीव हो चुकी हैं, फीडबैक खवातीन की तरफ से कैसा आपको मिल रहा है, फाइनली ये भी बता दें। खवातीन की जानिब से तो फीडबैक बहुत शानदार है, हम मतलब कहीं ना कहीं कोशिश तो यही थी कि हमें एक अच्छा रिस्पांस मिले, लेकिन क्योंकि लॉन्च हो चुका है 22 अप्रैल से सीएम साहिबा ने इसको इनॉग्रेट किया और अब तक तकरीबन हमारा अगर मैं रफ एस्टिमेट दूँ आपको तो तकरीबन 1000 के आसपास हमें कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं और हम पुलिस की टाइमलाइन को अगर फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो एफआईआर्स अभी तक दर्ज हो चुकी हैं, रफ एस्टिमेट अगर मैं आपको दूँ तकरीबन 250 से 300 जो हैं वो एफआईआर्स हो चुकी हैं।
सही, थैंक यू सो मच अक्सा फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और होपफुली ये जो एप्लीकेशन है ये यकीन खातिन को भरपूर फ़ायदा पहुंचाएगी। और नाज़रीन अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद एक आपस की बात है जो मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। पाकिस्तान को नाजरीन 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी IMF की किस्त 29 अप्रैल को मिलने का इम्कान है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद आलमी मालियाती इदारे के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद 6 से 8 अरब डॉलर्स के अगले प्रोग्राम के लिए बातचीत मई में मुतवक्के। आपसे सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा, मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपसे लाजमी ये बात पूछती हूँ कि जो IMF का ये नया प्रोग्राम है इक्तसादी जायजे की मंजूरी के पीछे बाम लोगों के जहनों में बड़े सवालात हैं। उनको ये लग रहा है कि पता नहीं महंगाई आ जाएगी, टैक्सेस की भरमार हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, 300 को टच कर रहा है, और बिजली गैस सब कुछ महंगा मिल रहा है, और पाकिस्तान एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में दूसरा महंगा तरीन मुल्क है श्रीलंका के बाद, तो क्या होने वाला है? देखिए महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है, एक तो ये है कि महंगाई की जो बढ़ने की शरह है वो 38% पे चली गई थी, इस वक्त वो 20-21% के करीब है। इसका ये मतलब नहीं है कि महंगाई में कमी हुई है, पर महंगाई के जो बढ़ने की शरह है वो कम हो गई है, यानी कि एक चीज़ 38% थी अब वो 20-21 पे बढ़ रही है। मुझे अप्रैल के डेटे में ऐसा लग रहा है कि ये शायद 17% पे आ जाएगी, यानी कि पिछले साल से कंपेयर करें तो 17% कीमतें इस अप्रैल में बढ़ी होंगी। ऑन दी अदर हैंड जहाँ तक बिजली और गैस का ताल्लुक है, आई थिंक कि जुलाई में पाकिस्तान ने खुद यानी कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कि स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, हमारी जो सुई कंपनीज हैं जो कि स्टेट ओन्ड सुई कंपनीज हैं, इसका बिल्कुल IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें अपने हाँ ये क्लैरिटी रखनी चाहिए और लोगों को भी, उन्होंने पटिशन किया हुआ है अपने रेगुलेटर नेप्रा और ओग्रा के पास कि आप कीमतों में रद्दो बदल करें, बेस टैरिफ बिजली का भी तब्दील होना है ऑन दी अपसाइड, और गैस में तो एक खातिर खा तब्दीली है जो मुतवक्को है। तो एक तो ये है जो आने वाले दिन है, इसलिए महंगाई की शरह में कमी ज़रूर होगी पर उस तरह से शायद नहीं होगी, और महंगाई इस साल ऑन दी एवरेज 24-25% रहेगी अगर पूरे साल की एवरेज देखें, पिछले साल 29 रही है, आने वाले साल में 12-15% पे आ जाएगी। अगेन महंगाई के बढ़ने की शरह में जो कमी है वो दिखाई दे रही है लोगों के लिए, ऑफ कोर्स ये एक तकलीफ दे बात है, इसमें कोई शक नहीं है, पर इसके लिए तो ऑफ कोर्स बड़े लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने पड़ेंगे, जहां बिजली की एफिशिएंसी को ठीक करना, मुल्क की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना, एक्सपोर्ट करना जिससे रुपए की कदर मुस्तहकम रहे, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी इकॉनमी में पिछले कई दहाइयों में कर नहीं पाए, बल्कि मोस्ट ऑफ़ दी एरियाज़ जो मैंने अभी आपको मेंशन किए हैं, पैदावारी सलाहियत देखें तो उसमें बदतरीज कमी होती रही है, पैदावारी सलाहियत कमज़ोर होती रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गुड प्लानिंग, गुड डिसीजन मेकिंग टू मूव फॉरवर्ड। इसके अलावा टैक्सेस जो हैं उनकी भी तकरीबन यही हालत है। आप ये देखिए ना कि जिस मुल्क का टैक्स टू GDP 9-10% से बढ़ ना रहा हो पिछले 10 साल में, और इतने आपने दुनिया के कंसल्टेंट्स को ला के प्रोग्राम कर लिए हैं, सो अब क्या आप कुछ चीज़ मुख्तलिफ कर रहे हैं? दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो आइंस्टाइन ने कहा था ना कि आप एक ही काम बार बार करते रहें और ये उम्मीद रखें कि सक्सेस होगी, तो सक्सेस नहीं होगी। हम आज भी रिलाय कर रहे हैं कि शायद कोई बाहर से आकर इस मुल्क की कोई भी चीज़ जो है उसमें तंजीमें नौ कर देगा, ठीक कर देगा, ना ही उनमें ये कैपेबिलिटी है, ना ही मुझे तो आपकी बातों से ना, मुझे खाकान साहब वो क्रिकेट की वही वाली एग्जाम्पल जो कि आजकल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए दी जा रही है वो याद आ रही है कि जितने मर्जी भाग भाग के रन बनाने की कोशिश अब करें, अब तक स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं करेंगे ना और कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे, तब तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने वाली है। तो यही मुझे मामलात आपकी बातों से यहाँ फील हो रहे हैं। मुझे ये बताएगा कि अभी जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी एक्सपेक्टेशंस का इजहार किया सऊदी वफ्द से, क्या इनकलाब आएगा जब सऊदी वफ्द आएगा? देखिए इन्वेस्टमेंट लाना जो है वो एक जिसे कहेंगे कलीदी जोज है इस चीज़ का कि अगर हम फंडामेंटली अपनी जो ग्रोथ है यानी कि इकॉनमी को बढ़ाना है उसमें खातिर खा आगे बढ़ सकें। अगर आप मुल्कों को देखें, चाइना 30% अपने इकॉनमी का इन्वेस्ट करता है हर साल, वियतनाम, इंडोनेशिया तकरीबन इसी फिगर पे हैं,
पाकिस्तान जो है वो 14% इन्वेस्ट करता है। अब इन्वेस्टमेंट के तीन सूरतें हैं, एक तो यह है कि हम अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर को इतना एक्साइट कर लें कि वो प्रॉपर्टी, गोल्ड और जैसे कहते हैं डॉलर को छोड़कर कोई जूता बनाए दुनिया में बेचे, बत्ती बनाए दुनिया में बेचे। पाकिस्तान में हम ये नहीं कर पाए। दूसरी सूरत यह है कि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करे। पब्लिक सेक्टर में चूंकि खसारे इतने बड़े हैं, इन्वेस्टमेंट नीचे जाती रही है जो पब्लिक सेक्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और तीसरी सूरत जो आपने सामने रखी है वो ये कि कोई एफडीआई मुल्क में आए। एफडीआई इसलिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि ये नॉन डेट क्रिएटिंग है, यानी कि डेट लेके नहीं हम बनते। $5 अरब की सऊदी अरेबिया के साथ जो जॉइंट कम्युनिके आया है उसमें ज़रूर बात हुई है कि हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स होप कि यू नो दे कैन कम। एनर्जी सेक्टर है, माइंस एंड मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है, हमारे यू नो स्मार्ट यंगस्टर्स जो हैं उनको ITES में यूज़ कर सकें, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो लगे हुए हैं उनमें पैसे डाल सकें, कोई नए प्रोजेक्ट्स में काम कर सकें। पर अगेन अच्छा, इसमें मुझे, बात मुझे, वहीं आके खड़ी हो जाएगी। डॉक्टर ये बताएगा कि एक आम आदमी बिल्कुल ये समझना चाहता है कि जब हम ये खबर पढ़ते हैं कि पाकिस्तान को रवामा $1 अरब 10 करोड़ की किस्त मिलने का इम्कान है, और जब ये किस्त क्रेडिट हो जाती है तो भी हमें खबर मिलती है कि भाई हाँ जी पैसे आ गए हैं, इससे एक आम आदमी को जो फौरी एक रिलीफ पहुँचता है वो क्या है? हमें खुश होने की ज़रूरत है इस तरह की खबरों पर? देखिए, एक तो IMF से जो पैसे आते हैं या IMF से जो ममालिक इंगेज करते हैं उनको तो अपनी इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान 24वीं मरतबा ICU के डॉक्टर के पास जा रहा है। अगर मैम आप 24वीं मरतबा अपनी ज़िंदगी में जा रही हो तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या करती हैं? आप खाना नहीं अच्छा खाती, सेहत का ख्याल नहीं रखती, एक्सरसाइज नहीं करती, बहुत टेंस हैं, क्या मसला है? डॉक्टर को डांटना चाहिए ऐसे पेशेंट को कि आपको शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शेमलेस है आप। सो हमें पाकिस्तान के बारे में ये पूछना चाहिए। अभी हम पाकिस्तान को IMF के अलावा चलाना प्रूडेंट पॉलिसी नहीं समझते, इसलिए कि आपको ये जो आपने $1 अरब का ये इसलिए चाहिए कि आपको इस साल 22-23 अरब डॉलर चाहिए थे, उनमें से IMF के पैसे जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। अगले साल आपको फिर 24-25 अरब डॉलर चाहिए। IMF के पैसे भी ज़रूरी हैं, उनकी सपोर्ट भी ज़रूरी है ताकि बाकी पैसे आ सकें। आम आदमी पे फ़र्क इस तरह पड़ता है कि अगर आज रुपया 278 की बजाय 320 का होता तो जो इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह 20% पे आ गई है, ये 30% पे होती। अच्छा, और उसको तकलीफ होती। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर खाकान, एक चीज़ और भी है। एक तो हमारे यहाँ ठीक है उस तरह से सरमायाकारी नहीं आ रही थी, लोग नया बिजनेस शुरू करते हुए कतरा रहे थे कि पता नहीं वो चलेगा या नहीं चलेगा, हालात ऐसे रहे हैं। इंटरेस्ट रेट ने जितना लोगों को मारा है ना, मेरा नहीं ख्याल कि इससे जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जितना हम लोग और नीचे गए हैं कि बैंक से भी एक इंसान अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए अगर लोन भी लेना चाहता है तो वो 100 बार सोचेगा। हालांकि बाहर के ममालिक में इतने फ्रेंडली लोन इस तरह के मिलते हैं, इतना इंटरेस्ट रेट कम होता है कि बाकी नीयत लगती है किसी की मदद करने की। ये सूरत हाल यहाँ कब बनेगी? महंगाई कम हो रही है, मईशत ट्रैक पर आ रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे कब आएगा? तो देखिए, इंटरेस्ट रेट का जो ताल्लुक है, जब आप IMF के साथ स्पेशली इंगेज्ड होते हैं तो वो इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह से होता है। पहले कीमतें चूंकि इंटरेस्ट रेट से भी ऊपर बढ़ रही थी, यानी कि 25-28% पे, 30% पे, 38% तक चली गई थी। अब पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो चूँकि जो इंटरेस्ट रेट है 22%, इन्फ्लेशन जो है वो 20-21 पे आ गई है, तो एक रूम ज़रूर क्रिएट हो गया है कि इंटरेस्ट रेट यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको टाइट रखने की बजाय उसकी ईजिंग करें। और ईजिंग का मतलब जैसे आपने फरमाया कि इंटरेस्ट रेट को कम करें ताकि लोग कर्ज लेने के लिए उनका जो रवैया है वो तब्दील हो जाए। Having said that, क्योंकि हम IMF के साथ engaged हैं और दूसरा जो हमारा खसारा है यानी कि monetary policy tight इसलिए रखनी पड़ रही है कि हमारा जो दूसरा है खसारा जिसको मालियाती खसारा कहते हैं वो बहुत बड़ा हुआ है और वो संभल नहीं, so monetary बोझ ले रही है। पर उम्मीद यह है कि या तो इस माह में या आने वाले महीनों में जो 22% का पॉलिसी रेट है ये आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। पर इसका भी कतई मतलब ये नहीं है कि अगर 18-19-20 भी हो जाता है तब भी लोगों के लिए इतना कमाना आजकल की उस मार्केट में जबकि इस वक्त लोगों की कीमतें खरीद टूट चुकी है मुश्किल है। सो आई थिंक साल 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी काम डाउन तो हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताएगा फाइनेंशियल
फाइनेंशियल इंक्लूजन की टर्म हमने काफ़ी सुनी, फिर आपको पता है कि छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्टर करने की बातें हुई, ग्रे इकॉनमी ख़त्म करने की, डिजिटलाइज करने की बातें हुई। डू यू थिंक सो कि ये सब कुछ जो कि अभी कहा जा रहा है या करने का सोचा जा रहा है, ये बहुत जल्द मुमकिन हो पाएगा या फिर इसके लिए एक नई हुकूमत आ जाएगी और तब भी ये काम पेंडिंग होंगे? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि मैं फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ अ केस वेयर वी हैव टू रियलाइज कि हमारा जो जैसे कहेंगे ना, अगर आप किसी चीज़ की जड़ में जाकर देखना चाहें, यानी कि आप देखना चाहें कि बेसिक इशू क्या है, तो ये बड़े बड़े अल्फाज सब अच्छे हैं, बट जो असल मसला है वो तो ह्यूमन रिसोर्स का है। पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर जो है वो चूँकि स्पेशलिस्ट पर मुहित नहीं है, तो वो एक जनरलिस्ट स्ट्रक्चर में आप कभी भी जो डीप मसाइल हैं वो तो गुड इकोनॉमिक्स मांगते हैं, वो गुड पॉलिसी मेकिंग मांगते हैं, वो प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग और समझदाराना जिसे कहेंगे फ्रेमवर्क्स डिसीजंस मांगते हैं, वो सब करने के लिए आपको कॉम्पिटेंट टीम्स FBR में भी लानी पड़ेंगी, मीडियम टर्म के लिए लानी पड़ेंगी, अहदाफ तय करने पड़ेंगे उनके साथ, जो भी पॉलिसी डिज़ाइन है चीज़ों का वो बहुत ज़रूरी है। ये सादा बात नहीं है कि सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में अगर हम कर लें तो शायद ठीक हो जाए। अभी आपने ताजर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की, क्योंकि पॉलिसी डिज़ाइन में शायद उतना वक्त नहीं लगाया गया तो उसका नतीजा वो नहीं निकला, पर ये कहते हुए मुझे बहुत ही दुख होता है कि ना पाकिस्तान के ताजर टैक्स देना चाहते हैं, ना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देना चाहते हैं, GST में हम चोरी करना। खाकान साहब, वो कैसे टैक्स देना चाहेंगे? अच्छा, मैं फाइनली आपसे बस ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि वक्त अब कुछ कम भी है, ये जो प्राइवेटाइजेशन की अब बात हो रही है, निचकारी PIA की भी होने जा रही है, आपके ख्याल में वाकई हमारे पास लास्ट सोल्यूशन यही था और ये हमारी मईशत के लिए ठीक फैसला है, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे? जी खाकान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? पाकिस्तान जी, आपने सवाल सुना, सवाल सुना, मैं आखिरी बात रिपीट कर देता हूँ, सो दैट जी मैंने सुना सवाल आपका, मैं आखिरी बात रिपीट कर दूं फिर प्राइवेटाइजेशन पे आता हूं। सो हम एग्रीकल्चर में या हम मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में नहीं जाना चाहते ताकि हमें पता चले कि सीमेंट या शुगर या टबैको में कहाँ जा रही है ये चीज़ और कोई चोरी तो नहीं हो रही टैक्स की, पर हम इसी निज़ाम से में रहना चाहते हैं ताकि हम टैक्स बचा कर अपना मुनाफा बढ़ाते रहें। अब आखिरी बात आपकी, देखें प्राइवेटाइजेशन इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं 206 हैं, इसमें मैंने 4 किताबें लिखी हैं सरकार में रहते हुए, ये इतना नुकसान करती हैं, स्पेशली डिस्कोस, PIA, हमारी जो रेलवे है, हमारी जो NHA है, ये हमारी जो जनरेशन कंपनीज हैं, ये इतना बड़ा नुकसान करती हैं, और जो कंपनी मुनाफा कमाती भी हैं वो मुनाफा उस नहज पे नहीं है जो होना चाहिए। सो हमें प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी लानी है ताकि हम रेगुलेट कर सकें उनको अच्छी तरह, कंपेटिटिवली इनको चला सकें। डिस्कोस की तो स्टेट मोनोपोली है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसलिए आपके घर बिजली आती है या जाती है आप मुश्किल में ही रहती हैं, पर अगर आपके मोबाइल का इशू होता है तो आप मोबाइल अपना तब्दील कर सकती हैं, किसी और के पास जा सकती हैं। सो ये सारी सोच जो है लानी है। अगेन, प्राइवेटाइजेशन कमीशन जब तक एक आला इदारा नहीं बनेगा, वहाँ पर ऐसी खवातीन या मर्द नहीं आप लाएंगे जो कि बहुत समझते हों इस काम को, जिन्होंने दुनिया में ये काम किया हो, उनको लाखों या करोड़ों की सैलरीज नहीं देंगे तो ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि अरबों डॉलर के एसेट जो हैं वो बेचने जा रहे हैं, पर हम चूँकि ये करने में नाकाम हैं। बार बार मैं कहता हूँ, कॉम्पिटेंस विल ड्राइव द नेक्स्ट 5-year एजेंडा ऑफ दिस गवर्नमेंट, लेट्स होप कि दे पुट कॉम्पिटेंट पीपल एंड कॉम्पिटेंट एरिया और जो सर्जरीज हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान, आपने बहुत अच्छे से हमें ये सारे मामलात समझाए हैं। इट्स लवली, तो अच्छा लगता है कि आप इतने अच्छे से समझा देते हैं, बहुत शुक्रिया। अब हमें आगे बढ़ना है, कुछ बात करनी है। गज़ा जंग के 200 दिन मुकम्मल होने पर शहादतों की तादाद 34,000 से ज़ायद हो गई है। ये वो 34,000 अफराद हैं जिन्हें हज़ारों टन बारूद से जलाया और इसराइली फ़ौज के पैदल दस्तों ने निशाना लगा कर मारा है। अब भी गजा में रोज़ाना बमबारी हो रही है, लेकिन खबरें अब महदूद कर दी गई हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग के दूसरे फेज़ यानी कि रफा पर हमले का ऐलान कर दिया है। हालात मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा है, मगर फ़लस्तीनियों के हाल पर हर मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान ताहाल खामोश बुत बने बैठे हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त तजियाकार मुदस्सिर थानवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे
लाइन पे लिया जी। मुदस्सर साहब, मुझे इस हवाले से जरा बताइएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एक तूफान वीडियोस का, लोगों के रद्द अमल का, जो कि हमें नज़र आता है, ख़ास तौर पर जब ईरान की तरफ से हमला किया गया इसराइल पर, तो तब लोगों ने ख़ास तौर पर कहा कि ये होता है जवाब जो कि दिया गया, और सिर्फ ईरान की तरफ से दिया गया। क्या वजह है कि दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इस मामले पर चुप साधे बैठे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद उतारा है ना, उसके अंदर 400 से ज़्यादा आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद का हुक्म दिया है। जिहाद हमारे निसाब से हटा दिया और कुरान मजीद फुरकान हमीद से हमें दूर किया गया। आपने अभी जैसे कि बताया कि 200 दिन मुकम्मल हो गए हैं, तो तमाम इस्लामी ममालिक को 200 दिन इसके ऊपर, जो गजा के ऊपर हमले कर रही है इसराइल, ये हमारे इस्लामी ममालिक को मुबारक हो। ये तो इनकी मिसाल हमारी मिसाल ऐसी हो गई कि हमारे महल्ले पड़ोस के अंदर जो है वो जनाजा रखा हुआ और हम शादियाने बजाते रहे कि भाई ये तो तुम्हारा गम है, हमारा गम ही नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि आज इनके घर पे जनाजा है, कल मेरे घर पे भी जनाजा उठेगा। आज अगर 200 इस्लामी ममालिक 200 दिन मुकम्मल हो गए और इस्लामी ममालिक खामोश हैं, तो ये तो इनका टेस्ट ट्रायल है गजा और फलस्तीन। तो उसके बाद बारी आनी है सबकी, कभी कल किसी की होगी, कल पाकिस्तान की बारी भी हो सकती है इसके मामले में। जब तक सारे इस्लामी ममालिक मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं हो जाएंगे, और जब अल्लाह के दीन को खोल के नहीं पढ़ेंगे और कुरान मजीद फुरकान हमीद को नहीं पढ़ेंगे, सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया बंद कर दीजिए यार। सोशल मीडिया से थोड़ी ना जंगें जीती जा सकती हैं, जंग तो जिहाद से जीती जा सकती है, जिसका कुरान मजीद फुरकान हमीद में हुक्म है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के ज़माने में जंगें किस तरह जीती गई, ना सोशल मीडिया से जीती गई, ना किसी चीज़ से जीती गई। जिस चीज़ का कुरान मजीद फुरकान हमीद में हुक्म है और जिस कुरान मजीद फुरकान मजीद के हुक्म के मुताबिक जो इस्लाम ने हमें तालीमात दी उसके हिसाब से चल सकते हैं। तो मुदस्सर साहब, ये क्या खुदगर्जी है मुस्लिम ममालिक की, जो कि इस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे, कोई इस पर उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया? देखें, जिनके कई खुदा है ना, वो तो एक पेज पे खड़े हैं, और जिनका एक खुदा है वो सब बिखरे पड़े हैं, ठीक है ना। अब सऊदी अरब जैसी जगह के ऊपर जहाँ पे अल्लाह का मुकद्दस घर हो, जब वहाँ पर शराब खाने खुल गए हैं, तो इस्लाम दिल में क्या रह जाएगा? इस्लाम दिल में होगा तो इंसान कुछ बात करेगा ना। जब दिलों से इस्लाम निकल गया, ईमान निकल गया, बस आप समझ लीजिए कि हम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान तो हो गए, और जो हमारे कान में बचपन में अजान दे दी, लेकिन हमने उसके हम उसके ताबे नहीं रहे ना, हम दीन के ताबे नहीं रहे। 20-25 साल 30 साल पहले मामलात होते थे तो उसके ऊपर कुछ और बात होती थी, आज 30 साल के बाद दुनिया से इस्लाम जो है ना, वो बहुत आप समझ लें कि आप नापीद होता जा रहा है। ऐसे में मुदस्सर साहब, OIC जैसा प्लेटफॉर्म, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का फिर मेरा नहीं ख्याल कोई मसरफ रह जाता है? जब आप इतना जुल्म हो गया, उस पर आपने बात नहीं की, आपने उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया। ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान और कराची के अंदर NGO के इदारे चलते हैं, मतलब आप समझे कि वहां से भलाई खैर जितनी फैलनी चाहिए नहीं फैल रही, ठीक है फैल रही होगी, लेकिन आप देखें ना कि हमारा असल जो काम है वो, आप अभी आप तैयब अर्दगान की मैं रिपोर्ट सुन रहा था आपकी, तैयब अर्दगान साहब कहाँ हैं टर्की के सदर, वो क्यों इनिशिएटिव नहीं लेते हैं? सऊदी शहजादे क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते हैं? दुबई के शहजादे क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते हैं? हम और आप तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के आलमबरदार हैं, हम और आप तो इस्लाम के परचम लहराते हैं, हम और आप तो मुसलमान हैं भाई, हम तो इस्लामी ममालिक में बैठे हैं, अल्लाह ने हमें नसीब से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत बनाया। आप अंजाम क्या देख रहे हैं फिर इस सारी सूरत हाल का? ये मामला कभी थमेगा या कैसे थमेगा, कब थमेगा? साजिश, अगर साजिश भयानक अंजाम है, देखो होना और नहीं होना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से है ना, सब कुछ तो अल्लाह रब्बुल, अब इंसान अल्लाह हमारी नीयतें देख रहे हैं, अल्लाह मेरे दिल के हाल को जानते हैं, अल्लाह आपके दिल के हाल को जानते हैं, मेरी और आपकी अगर डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो हमारा और आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं होगी, मामला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में। अगर पाकिस्तान इस पर इनिशिएटिव नहीं ले रहा, टर्की इनिशिएटिव नहीं ले रहा, दुबई इनिशिएटिव नहीं ले रहा, सऊदी अरब इनिशिएटिव नहीं ले रहा, भाई जब इस्लामी ममालिक को आप शराब खाने बना देंगे और आप उसको रयाकारी और बदकारी के अड्डे बना देंगे, तो वो इस्लाम कहाँ दिल में रहेगा? जब आपके दिलों से इस्लाम निकालेगा, यहूदी की आपके खिलाफ साजिश ही पहले है कि वो आपके दिलों से इस्लाम निकाल के वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, जो लोग हसास दिल के मालिक हैं, जो ये देखते समझते हैं शऊर रखते हैं कि जुल्म किया जा रहा है, वो बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये दुनिया में ये तमाम ममालिक मफादात की डोर में बंधे हुए हैं। मैं कई अमेरिका वगैरह आना जाना मेरा रहता है,
दुनिया के दूसरे ममालिक में भी मैं आता जाता रहता हूँ, बस वहाँ उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा लेकिन इंसानियत भरपूर है उनके अंदर। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर अभी इसी सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए। इस वक्त हमास के तर्जुमान है डॉक्टर खालिद कुदूमी साहब जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया कि आपने इन हालात में भी बोल को अपना वक्त दिया है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त फ़लस्तीनियों में मुस्लिम ममालिक से मदद मिलने की कितनी आस बाकी बची है, फ़लस्तीनी इस वक्त किस हाल में है, क्या पोजिशन है आप लोगों के पास? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए नाउम्मीदी कुफर है और मुस्लिम उम्मा हमारा असल बैकबोन है और हम उससे हमेशा तवक्को करते हैं, बल्कि हम समझते कि ये इनकी ज़िम्मेदारी है क्योंकि आखिर में के ये गज़ा वाले लोग जो है ना, जब इन्होंने अपना तूफ़ान लेकर आया था कि तूफ़ान गज़ा को तो नहीं कहा, तूफ़ान अक्सा का नाम दिया, क्योंकि वो इन्होंने फील किया कि वो अपना आप को खत्ते अव्वल में उम्मत के दिफा में और क़िबले अव्वल मुसलमानों के दिफा में मुश्तरका अमन उम्मत इस्लाम के दिफा में इन्होंने सरगर्मियां शुरू किया है। लिजा के ये हम और मुस्लिम उम्मा के दरमियान में हमारा एक गहरी ताल्लुक है और हम भी अपना फ़र्ज समझते हैं कि इस उम्मत को हिफाजत करें और हम यही समझते हैं कि उम्मत का फ़र्ज़ है हमारा शरीर साथ शरीक होकर के आज़ादी की जद्दोजहद मस्जिद अक्सा को आज़ाद करने की जद्दोजहद में शरीक होना चाहिए। देखिए इस वक्त के फ़लस्तीन का हालात ये है कि पूरा फ़लस्तीन का जोग्राफिया ख़्वा वेस्ट बैंक में हो, अल-क़ुद्स में हो, 48 वाला हो या गज़ा में है, सब मुश्तरका तौर पे ख़्वाओं के इनके मदरसा फ़िक्र यानी जो स्कूल ऑफ थॉट है कि हमास वाला हो, जहाद वाला हो, फतह वाला हो, सब के सब एक ही प्रोग्राम में है। इसराइल को सामना करना है, जेनोसाइड जो गज़ा में हो रहा है इसको ख़त्म करना है, मस्जिद अक्सा की बेहरमती जो होती हैं जो हो रही है डेली, कल ईस्टर का तीसरा दिन था जिसमें यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के अंदर आकर और इसके बेहरमती का करने का कोशिश किया, बल्कि किया भी है, जुरत किया है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा अनफॉर्चुनेटली अभी तक अपना किरदार सही तरह अदा नहीं कर रहा है और जो भी है कि फ़लस्तीनी अवाम अभी निकले हुए हैं कि अपना फ़लस्तीन के दिफा में इंसानी लिहाज से, इंसानी बहरान के लिहाज से आपने ख़ुद देखा अभी सातवां महीना शुरू हुआ है, उसमें 40,000 के करीब शहीद हो चुका है गज़ा में, वेस्ट बैंक में। बिल्कुल खालिद को दूंगी साहब, 500 शहीद है। बिल्कुल बिल्कुल आपने बजा फरमाया, मुझे लगेगा कि हमास के चीफ इस्माइल हानिया जिनके जवान बच्चों की शहादत हुई है, इस्माइल हानिया के हवाले से कुछ बताइएगा, वो इस वक्त किस पोजीशन में हैं, उनके हौसले यकीनन बुलंद होंगे। देखिए शहादतें हैं हमारा मुजाहिदीन और हमारा फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस तहरीक मुज़ाहमत के अहलकार का आरजू है और अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल भाई जो है ना इन तीन बेटों से पहले और ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर से पहले इनके अपना ज़ाती ख़ानदान 60 से ज़्यादा शहीद कुर्बानी किया है इस बैटल में है और ये सिर्फ हनी ख़ानदान का नहीं है, हर ख़ानदान हमारे अवाम में से किसी ने 40 शहीद दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने 10 दिया है और उसी तरीक़े से है कि ये साबित हुआ हमारा लीडरशिप हमारा अवाम का साथ है के साथ है, कि कोई फ़र्क नहीं है, सोल्जर हो, ऑफिसर हो, चीफ हो, सब के सब एक ही प्रोग्राम में है और एक ही महाज में है। अल्हम्दुलिल्लाह के जिस दिन इनको ये ख़बर मिली है सबसे पहले इन्होंने ये लफ्ज़ कहा अल्लाह सहल अलैहिम, सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ अपने बच्चों के लिए दुआ किया है और कबूल किया है अल्लाह के आजमाइश से
اور یہ فخر بھی کیا ہے کہ انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور وطن کے آزادی پر اپنے خاندانوں کو قربان کر دیا ہے. یہ الحمدللہ یہ حوصلہ یہ یقین ہے. اسماعیل ہنیہ بھائی ہے الحمدللہ حافظ قرآن ہے, مؤمن ہے, اس جہاد میں ہے, اسرائیلیوں سے گرفتار بھی ہوا ہے, اس کو جلا وطن بھی کر دیا ہے, واپس بھی آ گیا ہے, اپنے کیمپ میں اشاطہ کے کیمپ میں ہے, وہاں کی گلیوں میں لوگوں سے خوشی دکھ سے شریک کیا ہے, لوگوں نے اس پہ ٹرسٹ کر کے ان کو پرائم منسٹر کا ووٹنگ دیا ہے. پرائم منسٹر کے بعد انہوں نے اپنا ذمہ داری کا ادا کیا ہے. کوئی ایسے تنظیم نہیں ہے, خواہ حماس والے ہو, فتح والا ہو, جو مرضی ہو ان کا ساتھ. قدومی صاحب, جمعرات کی صبح خبر سامنے آئی کہ نیتن یاہو نے رفح پر حملے کو ضروری قرار دیا ہے. اس وقت حماس کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا رفح پر حملہ ہوا تو حماس وہاں بھی مزاحمت کرے گی؟ دیکھیں, یہ رفح کے معاملے میں ہے کہ سیاسی طور پہ وہ نیتن یاہو یہ سمجھتا ہے کہ یہ آخری جغرافیہ ہے غزہ کے اندر, غزہ میں, جس پہ حملہ نہیں کیا. لیکن یہ غلط بات بھی ہے کیونکہ رفح جو ہے نا شروع سے کہ وہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر اسرائیلی درندوں نے. رفح کا علاقہ ہے کہ اس کے اندر ایک شہر ہے, چھوٹا سا شہر ہے جس کے اندر 2.5 لاکھ آبادی ہے. اچانک اس کے اوپر 1.2 ملین جو ہے وہ انہوں نے ہجرت کی ہے شمالی علاقوں سے رفح کے رفح میں, اور اب بہت کراؤڈڈ ہوا ہے. تو خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ صحیح طریقے سے حملہ کر رہے, جیسا امریکہ نے اس کو سبز چراغ دے دیا ہے, کیونکہ امریکہ جو منافق ہے وہ اصل وجہ ہے, امریکہ کے ایٹیٹیوڈ ہے جو ابھی تک جنوسائڈ روکا ہی نہیں ہے. ایک طرف وہ کہہ رہا ہے سیز فائر ہے, اور دوسرا طرف سے رفح کے متعلق میں انہوں نے کہا کہ بھی کہ اس کو وائڈ سکیل حملہ نہیں کرنا چاہیے. یہ وائڈ سکیل کا مطلب یعنی مطلب لمیٹڈ سکیل میں حملہ کرنا کی اجازت ہے, اور یہ وائڈ سکیل اور لمیٹڈ سکیل میں کیا فرق ہے امریکن درندوں اور اسرائیلی درندوں کے نزدیک سے. امریکہ جب ابھی بھی بلینز آف ڈالرز کو اسلحہ کو دنیا کے 5 کانٹیننٹ میں فراہم کر رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے قدومی صاحب, ہماری دعائیں فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی فرمائے, اور جتنا جلد ہو سکے وہ جنگ بندی کی صورتحال پیدا ہو اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں. بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے دنیا بول ہے. ویلکم بیک ناظرین, اور اب کچھ بات ہو جائے. فنکار کسی بھی ملک کا اثاثہ ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں ینگ ٹیلنٹ اس وقت کرنٹ افیئرس کو اپنا سبجیکٹ بنا رہی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک پاکستانی فیمیل میوزک ریپر جن کا نام ہے ایش روحان, جنہوں نے پہلی بار ریپ گانے میں صوفیزم متعارف کروایا ہے. اور جڑواں شہر سے تعلق رکھنے والی ایش روحان پہلی پاکستانی خاتون ریپر ہیں. انہوں نے اپنے میوزک کریئر کا آغاز 2016 میں کیا, اور اب تک کئی پاکستانی ڈراموں اور فلم میں اپنی آواز کا جادو جگا چکی ہیں. ایش کا جو سانگ بندھیا ایک کر کے ان کا ایک بڑا مزے کا یہ ٹریک ہے. میں چاہوں گی کہ ان سے ہم سنیں اور ان سے جانیں کہ کیسے ان کو یہ خیال آیا کہ یہ صوفیزم کا تڑکا لگائیں ریپ کے ساتھ. ایش اس وقت میں جوائن بھی کر چکی ہیں, تو ریپ میوزیشین ایش کو ویلکم کرتے ہیں. ویلکم ٹو آر شو ایش, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور بڑا اچھا لگا ہے مجھے آپ کا یہ ریپ کے ساتھ صوفیزم کا تڑکا آپ نے لگایا ہے, ماشاء اللہ سے. کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اینڈ رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے. ایوری ون از ہیپی کہ ایک میرے گھر میں کہ فیمیل ریپر, ایک میں نے ایک چیز کو لے کے چلی ہوں, میں اپنے کریئر کا آغاز میں نے کیا ہے, اور آئی ایم ویری ہیپی. اور بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے, میں نے کورس کیے ہیں اپنے, کچھ گانے آؤٹ کیے ہیں. سو یا دیٹس اٹ, دیر از ارم. اچھا, میں یہ چاہوں گی تھوڑا سا مجھے اپنے بارے میں بتائے گا, یہ سفر کا آغاز آپ نے کیسے کیا؟ کب یہ خیال آیا کہ آپ کو ایز این ریپر اپنا کریئر اسٹارٹ کرنا ہے؟ کس نے آپ کو انسپائر کیا, کچھ بتائیں گی؟
जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी। बैक इन 2016 में मैंने रैप जो है अपना करियर स्टार्ट किया था। मैंने एक ऑडिशन में मैं गई थी, पाकिस्तान आइडल में मैं गई थी, और वहाँ पर मैंने एक ऑडिशन दिया था। पहले मैंने सिंगिंग की थी और उसके बाद फिर मैंने रैपिंग की थी। तो जब मैंने रैप किया, मैंने देखा ऑडियंस एकदम से खड़ी हुई है, और यार मतलब वो हैरान थे कि मतलब ये एक फ़ीमेल रैपर है, एक रैप कर रही है। तो मुझे वहाँ से लगा कि नहीं, पाकिस्तान में फ़ीमेल रैपर नहीं है, एक रैपर होनी चाहिए। फिर मैंने पर्ची मूवी का टाइटल ट्रैक किया इन 2018। उसके बाद फिर मैंने और चैनल्स के साथ काम किया, PTV होम के साथ काम किया, राइजिंग स्टार में मैंने 45 टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स थे ज़िंदगी से लेके। और उसके बाद फिर मैं लक्स स्टाइल अवार्ड में दो कैटेगरीज़ में मेरे दो गाने नॉमिनेट हुए हैं। फिर मैंने अपने दो एल्बम्स आउट किए हैं, और अभी भी मैं अपनी नेक्स्ट एल्बम पे काम कर रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे जो ये प्रोड्यूसर है ना, वो बड़ा शदीद उनकी ख्वाहिश है कि आप उनको कुछ लाइव सुनाएं, कोई भी ऐसा रैप म्यूज़िक जो कि आपको अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि आपसे लाइव सुने। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये एक सूफ़ी गाना है, सूफ़ी रैप है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं ये गाऊँगी आपके लिए। जी। केड़ी शैदी अकड़ वे बंदिया, की है तेरे पल्ले बंदिया, ऐब किसी का बेनिकाब न कर, खुदा कर लेगा खुद तू हिसाब न कर, बात बात पे बरसने वाले अपनी नेकियां खराब न कर, मुका में नुकता बदल गया मेरा, निखर रहा था सब बिखर गया मेरा, हिसाब से जीऊंगी जिंदगी में अपनी के कितनी गलती पता चल गया मेरा, इश्क को पी जा इश्क उतार अंदर, तू बाकी न रहेगा बस यार अंदर। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा, वैसे लिखती भी आप खुद है, भी आप खुद है? जी जी, ये मैंने खुद लिखा है, और ये मैंने बुल्ले शाह से थोड़ा सा इंस्पायर होके लिखा है, क्योंकि सूफिज़म में आप देखेंगे गाने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक भी रैप नहीं आप देखेंगे सूफिज़म में। तो मैंने सोचा कि कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा टेस्ट भी रैप में होना चाहिए कि आप सूफिज़म को लेके रैप में लेके चलें, और ये है भी कुछ न्यू। तो अच्छा, वैसे किस सुनती किसको है, म्यूज़िक किस तरह का पसंद है, सिंगर कौन सा फेवरेट है आपका? मैं ज़्यादातर बोहेमिया को सुनती हूँ, NF रियल को सुनती हूँ, कार्डी बी को सुनती हूँ। ये है कि इंस्पिरेशन की अगर बात की जाए, तो मैंने जो फर्स्ट अपना कवर सॉन्ग किया था, वो मैंने बोहेमिया का गाना ही किया था, एक तेरा प्यार, जो कि काफ़ी वायरल भी हुआ था। अच्छा, अगर आप तो, वो सुनाएं हमें थोड़ा सा। जी सॉरी, मैं कह रही हूँ थोड़ा सुनाएंगी आप ये वाला? ये वाला ओके। तो आप चाह रही हैं मैं बोहेमिया का रैप करूँ? हाँ ओके। जी जी, जे एक तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार, जदों वड्डे आ शिकारियां दे वास्ते तैयार, आजा आजा। जे एक तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार, जदों वड्डे आ शिकारियां दे वास्ते तैयार, आजा। सीना चो कढ लिया दिल, होगी मेरे तो खता, तेरी अखा चो मैं अखा पाके वेख्या, हुण लगदा नी दिल, हुण किनू वे बता, वे एक वारी दुनिया दे मेले आ तां परा होके मिल, वे मैनू दे मौका, मैं आदमी आवारा छड़ा दे शराबी, पर मेरा दिल तेरी याद दा गुलाम, सीने विच तड़के ते नाल नाल ले तेरा नाम, राजा तेरा पुजारी, मैं अख बंद करा कना विच सुना वास तेरी प्यारी, वे मैनू रब दी सो, वे रात मैंने सारी तेरी याद विच जग दे गुजारी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, वैसे मुझे बताइएगा आप ऐश, कि अब तो मार्केट में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है, इतने रैपर्स आ गए हैं और नए नए तरीके से म्यूज़िक को लॉन्च किया जा रहा है, तो क्या आप सोच रखती हैं, आपने क्या आगे प्लान बनाया हुआ अपने करियर को लेकर? ऑलराइट, हाँ, कंपटीशन तो काफ़ी मार्केट में आ चुका है, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू लेके चलूंगी, और अभी मैं अपनी दो एल्बम्स पे काम भी कर रही हूँ, कोलैबोरेशंस भी आ रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं रेगुलर काम करती रहूँगी आगे, तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पर ज़रूर देखती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, ये जो नए आपके प्रोजेक्ट्स जिन पर अभी आप कह रही हैं कोलैबोरेशन के साथ काम चल रहा है, कुछ बताएंगे उनके बारे में, किसके साथ हैं, कब आ रहे हैं? मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी, बट मैं ऑडियंस से यही कहूँगी कि वेट, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं कुछ बड़ा अनाउंस करूँगी, और आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन अभी मैं अनाउंस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन या यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दी अपडेट, आप लोग वहाँ देख सकते हैं, मैं हर चीज़ वहाँ पोस्ट करती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है आपको मॉडलिंग का शौक़ भी है, क्योंकि एज एन मॉडल आपने अपने गानों में आप ही नज़र आ रही हैं, तो क्या कभी मॉडलिंग भी की है, या फिर इरादा है मॉडलिंग करने का? इट डिपेंड्स के एक प्रोफेशनलिज्म को लेके अगर मैं चलती हूँ कुछ ब्रांड्स के साथ, तो या व्हाई नॉट, बट इन अदर वे मॉडलिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। हाँ, बट एज अ सिंगर सेलिब्रिटी आई कैन डू दैट,
मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक्टिंग की कभी कोई ऑफर हुई या एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग नहीं, एक्टिंग का अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। ओके, अच्छा आप थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा, फैमिली का रिस्पांस क्या था जब आपने ये सोचा कि आपको एज एन रैपर, आपने कहा कि कोई भी नहीं था हमारी फैमिली में, और एज एन करियर इसको आपने चूज़ किया, तो घर वालों ने कोई तनकीद की या मना किया, क्या हुआ था? एक्चुअली ऐसा था कि स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी छुपाने की बात नहीं है, हर इंसान के रिलेटिव्स होते हैं और हर बंदा मतलब कहता है कि यार ये लड़की होके क्यों आगे जा रही है, तो उस हिसाब से मैंने एक रैप भी लिखा है। तो हाँ, मुझे कुछ लोगों ने तनकीद भी किया कि वाई यू आर डूइंग दिस, बट कुछ फैमिली में मेरे सपोर्टर भी थे, जैसे कि मेरी सिस्टर, मेरी मामा, मेरे पापा, मेरे भाई, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हाँ, बट उनसे बाहर की तरफ से हाँ सपोर्ट नहीं किया कुछ नहीं, लेकिन ना या अब ऐसा है कि अब सब सपोर्ट करते हैं। चलें, ज़बरदस्त। क्या मैसेज देंगी नए आने वाले रैपर्स को, म्यूजिशंस को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप में टैलेंट है तो आपको आगे ज़रूर जाना चाहिए, आपको कभी भी किसी की बात सुन के पीछे नहीं होना चाहिए, अपने जो स्टेप्स हैं वो बैक नहीं करने चाहिए। और हाँ, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी बेटियों को जो करना चाहती हैं वो करने दें, आप उनका साथ दें, आप उनके साथ जाएं, आप उनको साथ लेके जाएं, साथ लेके आएं और उनके ख्वाब पूरे करें, उनके ख्वाब ना तोड़ें। बहुत प्यारी बात आपने की। थैंक यू सो मच ऐश कि आप हमारे साथ मौजूद रही हैं, और बेस्ट विशेज हैं आपके लिए, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, इसी तरह काम करती रहें, आप सुनने वालों को एंटरटेन करती रहें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी जनाब आपको पता है कि वीकेंड है और आज इस हफ्ते का आखिरी शो, और उसके बाद एक छुट्टी हमने इंजॉय करनी है। तो वो जो आपस की बात मैंने आपको एक ब्रेक से पहले कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी, वो मैंने अभी संभाल के रखी हुई है, तो वो इंशाल्लाह कमिंग वीक में मंडे को मैं आपसे शेयर करूंगी। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। तो मंडे तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, रोई दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।